نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك إيمان لا يرتد ونعيم لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين पहले हम सूरतुल फातिहा सुना करेंगे इनशाला और उसके बाद साथ थोड़ी सी तिलावत सुनेंगे उन आयत की जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع, إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا زين القرآن بأسواتكم اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو यानी बेहतर आवाज में बेहतर अच्छे जो आ, यानी आ, जितनी इंसान की इस्तात हो उतनी जरूर कोशिश कर लेनी चाहिए उसको दुरुस्त तरीके से पढ़ने की कुरान को आज हम दूसरे पारे से शुरू करेंगे इंशाल्लाह और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो तेरह साल जो मक्की दौर है आप अलैहि वसल्लम ने काबा की एक ही दीवार की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है और वो वो दीवार थी जो काबा और मस्जिद अक्सा दोनों की डायरेक्शन में जाती थी उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो उस वक्त तक अब हुक्म ये था कि आपने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है और उसकी वजह ये थी कि वहां पर मदीना में यहूद थे और वो जरा जब उन्होंने देखा ना कि अच्छा ये हमारे वाला किबला ही फॉलो कर रहे हैं तो इनिशियली वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो उनकी एक हॉस्टेलिटी थी वो जरा कम हो गई तो मुसलमानों के लिए महाजरीन के लिए खासतौर पर यह बड़ा ही मुश्किल एक मरहला था तकरीबन सत्रह महीने यही हुक्म रहा कि मदीना में आपने मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है क्योंकि मक्का में तो ये था कि काबा सामने होता था और एक ही दीवार और उसके आगे वही डायरेक्शन आगे मस्जिद या लेकिन मदीना में ये हो गया कि काबा की तरफ आपकी मुकम्मल बैक होगी जब आप मस्जिद या की तरफ रुख करेंगे तो आप दोनों को एक वक्त पे फेस नहीं कर सकते थे क्योंकि मदीना दरमियान में था हरम बेतुल्ला के और मस्जिद अक्सा के तो ये अब एक जब हुक्म अभी नहीं आया था खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का तो ये महाजरीन के लिए बहुत बड़ा टेस्ट था और फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि आप काबा की तरफ यानी बैतल्ला की तरफ अपना रुख मोड़ लें और उसमें फिर अल्लाह ताला ने उसकी हमें हमतें यहाँ पर बताई और ये भी बताया कि ये एक टेस्ट था और ये एक बहुत बड़ी बात थी महाजरीन के लिए कि वो मस्जिद एक्सा की तरफ रुख करते और ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था कि नमाज के दौरान जब एक हुक्म आ गया है अल्लाह ताला का कि अब मस्जिद अक्सा नहीं अब बैतलह की तरफ रुख करना है तो जो लोग जिस तरफ भी जिस जगह पर भी थे तो उन्होंने उसी दौरान में नमाज के दौरान में अपनी चेंज कर ली डायरेक्शन और बैतल्लाख की तरफ अपना रुख कर लिया तो का जो तक है वो यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है एग्जाम्पल भी सेट करके बताई जा रही है कि जैसे ही हुक्म आ जाए तो उसी वक्त उसको मान लेना असल में इतात होती है तो अगर आप हर हाँ जुमराह के लिए जाए और आप ज्यारात करें तो मदीना में आपको मस्जिद किब्लैैन दिखाई जाती है बादज आप अंदर भी जाते हैं तो किब्लैन वो मस्जिद है कि जहां पर नमाज हो रही थी और किसी ने आकर बताया कि मैं अभी मस्जिद नबी से होके आया हूँ और किबला तब्दील हो गया है तो वो लोग जो थे वो मस्जिद की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे तो दौरान नमाज ही उन्होंने सारी की सारी डायरेक्शन चेंज की तो अब देखें कि जब डायरेक्शन चेंज हुई और वो पूरा टोटल थ्री वो क्या कहते हैं हंड्रेड एंड एट्टी डिग्रीज का टर्न लिया तो उसमें यानी जो इमाम थे वो पीछे हो गए और जमात आगे हो गई और फिर दौरान नमाज ही वो इमाम जो है वो चल के आगे आए और अपनी बाकी की नमाज उन्होंने बेतुल्ला की तरफ रुख करके तो मुकम्मल करवाई तो ये जो सारी हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं दरअसल साहब कराम की ये उनकी इताद की और जो अल्लाह की तरफ से आए हुए टेस्ट हैं उनमें पास होने की एग्जाम्पल्स हैं जल्द ही बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे कि इन मुसलमानों को उनके इस कबला से किस चीज ने फेर दिया जिस पर ये थे अब जो मुनाफिकीन है और जो ज्यूज हैं इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अच्छा तो अब किबला क्यों चेंज किया इन्होंने तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कह दीजिए मशरक और मग़र ही के लिए हैं वो जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत देता है यानी ये डायरेक्शंस के झगड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है इससे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि नॉन इश्यूज पर डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट और बहसें नहीं करनी चाहिए जरा ज़रा सी बात पर और कज बहसी और कीलो काल जो है वो पसंद नहीं है अल्लाह तला को नबी सल वसलम ने फरमाया करकील अलकाल ये जो हर वक्त ही सेड ही सेड हर वक्त डिस्कशन हर वक्त बातें हर वक्त की कोई ना कोई बहस से ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है मशरक और मगरब सारे अल्लाह ही के लिए हैं वो जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत देता है और जैसे तुम्हें हिदायत दी इसी तरह हमने तुम्हें अफसल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो यानी जो मुसलमान है ना उम्मत मुसलिमा ये उम्मत वसत है अफजल उम्मत है मतदिल उम्मत है दरमयानी उम्मत है मतदिल यानी इस्लाम के सारे अहकाम जो है वो एक्सट्रीम से पाक हैं और फिर ये कि अफजल उम्मत है क्योंकि इनके जिम्मे है अल्लाह का दीन पहुंचाना आप जब मुसलमान घराने में मुसलमान उम्मत में पैदा हो गए तो आपके जिम्मे लग गया आगे सुर आल इमरान में हम पढ़ेंगे कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है तो अपनी अपनी कैपेसिटी में हर इंसान को कोई ना कोई लोग ऐसे उसके जरूर इर्द गिर्द होते हैं कि जिनको उसने बताना है तो एक तो हमारा ये काम है दूसरे ये है कि जो पिछले अम्बियाए कराम है उनकी जो काविशें हैं उनकी गवाही भी हमने ही देनी है और हमने किस बुनियाद पर देनी है नू अलैहिस्सलाम के जमाने में तो हम मौजूद नहीं थे हमने कुरान की बुनियाद पर देनी है अलैहिस्सलाम की कौम जब झुटला देगी क्यामत के दिन अलैहिस्सलाम को कि हमें तो कोई भी नहीं किसी ने कुछ भी बताया तो मत मुस्लिम रसोल कुरान के जरिए से बताएंगे कि ये तो साढ़े नौ सौ साल तबलीग करके वहां से हटे वहां से अल्लाह ने इनको उठाया और इन पर कितने लोग ईमान लाए वो कश्ती में सवार होने वाले कुछ सत्तर या बहत्तर लोग थे साढ़े नौ सौ साल की तबलीग के बाद भी तो बहरहाल हदीस में आता है कि क्यामत के दिन अल्लाह तूलाम को बुलाकर जो उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया उसके बारे में पूछेगा तो वो अर्ज करेंगे कि हाँ मेरे रब के यानी मैंने पैगाम पहुंचा दिया फिर उनकी कौम से पूछा जाएगा तो वो जवाब देंगे कि हमारे पास तो कोई भी ये पैगाम लेकर नहीं आया फिर अल्लाह से कोई गवाही मांगेंगे तो वो मोहम्मद और उनकी उम्मत को बतौर गवाह पेश करेंगे और फिर उम्मत मोहम्मदिया किताब इलाही की बुनियाद पर गवाही देगी और फैसला होगा यानी ये गवाही जो है ये किताब इलाही की बुनियाद पर वही दे सकेगा ना कि जिसने किताब इलाही को पढ़ा होगा हमारे जो बच्चे हैं मैं यूनिवर्सिटी में कुछ कुरान की कुछ क्लासेस लेती हूँ कुछ बच्चों की तो जितना उनको अजनबीयत है कुरान से खौफनाक हद तक वो बच्चों को पता ही नहीं है कि कुरान में क्या अहकाम हैं हती के कहानियाँ तो फिर भी पता होनी चाहिए ना उनको कहानियाँ भी नहीं पता वो ऐसा है कि जैसे वो पता नहीं किस दुनिया से वो उठ के आए हैं तो ये जो अजनबियत है ये हमें किस काम आएगी क्यामत के दिन ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान करेगी कि हम गवाही देने के लायक ही नहीं होंगे हम उस ग्रुप में शामिल होने के लायक ही नहीं रह जाएंगे कि जिस ग्रुप में अल्लाह ताला ने हमें शामिल करना चाहा और हमें पैदा किया उस उन घरानों में तो लिहाजा अपनी अपनी औलाद की अपनी नस्लों की कुरान से अजनबियत को दूर करने की हमें ज़रूरत है और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किबला यानी बैतलमस पर आप पहले थे उसे तो हमने सिर्फ ये जानने के लिए मुकर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है और बेशक ये किबला की तब्दीली बहुत भारी है काफिरों पर मगर उन लोगों पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान जाया कर दे अब यहाँ पर एक बड़ा बारीक नुक्ता है और वो ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पर नमाजों को ईमान करार दे रहे हैं क्योंकि मुनाफिकीन ने यह कहना शुरू कर दिया था कि अच्छा तो इन्होंने जो पहले सत्रह महीने नमाजें पढ़ी हैं तो वो तो फिर इनकी ज़ाया हो गई तो अल्लाह सुबह फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाया करे अल्लाह ने ते नहीं फरमाया कि अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारी नमाजें जया करते ईमान जया करे यानी नमाज जो है वो ईमान की अलामत भी है और ईमान का बड़ा अहम एक रुकन भी है बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत नरमी करने वाला बड़ा रहम करने वाला है हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ अपना चेहरा मुबारक करके तो आप दुआ कर रहे थे कि किबला तब्दील हो जाए यहां से कहते हैं कि आप बहुत डेस्परेट हो किसी दुआ के लिए तो एक जो दुआ का तरीका है दुआ की कबूलियत का आप आसमान की तरफ देख के दुआ करें तो हम ज़रूर आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं फिर आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और जहां कहीं भी तुम हो अपने मुंह उसकी तरफ फेर लो और बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई वो जरूर जानते हैं कि बेशक ये उनके रब की तरफ से हक है और अल्लाह इससे गाफिल नहीं जो वो अमल करते हैं और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप उन लोगों के पास हर किस्म की निशानी ले आए जिन्हें किताब दी गई तो भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं और उनमें से कोई गिरोह दूसरे गिरोह के किबले की पैरवी करने वाला नहीं और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की उस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है तो यकीनन उस वक्त आप जालिमों में से हो जाएंगे जिन लोगों को हमने किताब दी वो इस रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं यानी अहले किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे कोई अपने बेटे को पहचानता है और अपने बेटे को पहचानना कैसा है यानी आप कितना बड़ा मजमा हो और आपको साफ नजर आ रहे हो लोग तो आपको कोई गलत फहमी होगी कि ये मेरा बच्चा है या ये मेरा बच्चा नहीं है ये इतनी डीप इंसान पहचान कर लेता है कि सिमिलैरिटीज को भी इंसान एक साइड पे कर देता है और इंसान को साफ पता होता है कि कौन सा मेरा बच्चा है और कौन सा नहीं तो अल्लाह तला ने वो एग्जाम्पल दी कि जिसके बाद कोई डिनाइल की सूरत रह ही नहीं जाती ये यहूद जो मदीना के थे और इर्द गिर्द के जो ईसाई कबाइल भी थे वो सब बड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि ये अल्लाह के नबी हैं और कुरान अल्लाह की वह आखिरी किताब है जिसके हम मुंतजर थे अब इनकार क्यों किया जो कल भी बात हुई थी इनकार इसलिए किया क्योंकि ये अपने अंदर चाहते थे और इंतजार भी इसी बात का था और उसकी वजह भी ये थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे इस्माइल इसमाही और इसाकाम इस्माईलिम की नस्ल में कोई नबी नहीं आया था हजारों सालों से लगातार नबी आते चले जा रहे थे इसाकाम की औलाद में यानी बनी इसराइल में और इनको यही था कि जाहिर है कि अभी भी हमारे अंदर है हमारी ही किताबों में अगर उनकी खुशखबरी लिखी हुई है तो आएंगे भी तो हमारे अंदर तो जब वो बनू इस्माइल में से आ गए इनके अपने भाइयों में से आ गए तो इन्होंने उनका इनकार कर दिया किस तरह इनको पता था उसकी जो एक दलील है वो सलमान फारसी रजीला की कहानी है जो कि एक तवील कहानी है और उन्होंने खुद सुनाई थी वसल्लम को कि वो ईरान में पैदा हुए थे और वो मजूसी थे आतिश परस्त थे वहां उन्होंने कोई कुछ क्रिश्चियंस के साथ उनका कोई रहा हुआ कोई उनका इंटरेक्शन हुआ तो वो क्रिश्चियन हो गए और वहां से फिर ये अपने इनके वालदन को कैद कर दिया फिर ये वहां से निकले कहाँ से होते हवाते ये सीरिया पहुंचे और सीरिया में ये एक किसी प्रीस्ट के पास थे फिर दूसरे के पास फिर तीसरे के पास फिर चौथे के पास और हर प्रीस्ट जो है वो मरने से पहले उनको कहीं और भेज देता था कहीं और भेज देता था और वो ट्रू क्रिश्चियनिटी के ऊपर थे वो तसलीस वाली जो क्रिश्चियनिटी है वो जो ट्रिनिटी का कीदा है उसके ऊपर ये वाले प्रीस नहीं थे जिनके पास सलमान फारसी रहते थे आखिरी जो राहिब है जिसके पास, पास, जिसके पास पास या के पास सलमान फारसी थे तो सलमान फारसी ने कहा कि मुझे बताएं मैं कहां जाऊंगा आपके बाद तो उन्होंने कहा कि तुम वहां चले जाओ जहां पर खजूरों और नखलिस्तानों की और सरजमीन है बागात की वहां अब वो वक्त आ गया है कि वो नया नबी जो है वो मबूस होगा और उस राहिब ने नबी वसल्लम के तीन निशानियां बताई थी कि वो अः सदका नहीं लेंगे और हदिया ले लिया करेंगे इसी तरह से उनकी मोहर नबूवत होगी और आ, इस तरह उनकी निशानियां बताई तो उन्होंने ये सारी निशानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखी और जब वो पूरी हुई तो वो आ, वो इस्लाम ले आए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह से साथी रहे फिर सारी जिंदगी और ये वो गवाहियाँ हैं कि जो हमें पता चलती हैं कि इनके यहाँ इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान पहले से मौजूद थी और देखते हुए हकीकत को अपने सामने देखते हुए इतना ब्लेटेंट उस हकीकत का इनकार कर देना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा जुर्म है इन लोगों को कोई शक नहीं था इसकी एक और बहुत बड़ी गवाही सफिया बिनते हुए जो कि बाद में उम्मुल मुमिन बनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई ये ज्यूश थी पहले और ये कहती हैं कि मेरे बाप और चचा को जब पता चला कि रसोल्ला वसल्लम तशरीफ ले आए हैं हिजरत करके और ये अपने आप को नबी कह रहे हैं तो मेरा बाप और चचा दोनों गए और सारा दिन गुजार के आप अलैहि वसल्लम के पास से वापस आए तो उनकी हालत ऐसी थी कि वो सदमे से चल नहीं पा रहे थे यानी वो इतने डिस्टर्ब थे तो मेरे चचा ने मेरे बाप से पूछा कि क्या ये वही है तो मेरे बाप ने कहा कि हाँ वही है तो मेरे चचा ने कहा तो फिर अब करना क्या है तो मेरे बाप ने कहा कि जिंदगी के आखिरी लमे तक इसकी मुखालफत करूँगा यानी जानते बूझते हुए मुखालफत करना सच की हक की हक को पहचानना नहीं उसको मानना नहीं तो इस इन लोगों का फिर जो नबी वसल्लम की सीरत तयबा से हमें पता चलता है कि बुरा अंजाम हुआ वही बुरा अंजाम हर उस शख्स के लिए हर उस नेशन के लिए है जो हक को पहचानने से इनकार करे और सबसे बड़ा हक जो है वो ये कुरान है और बेशक इनमें से एक गिरो जरूर हक को छुपाता है हालांकि वो जानते हैं में रब का फला तक मुमतरीन ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से लिहाजा इसके तुम तुम्हारे शक में ना पड़ना और हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरता है लिहाजा तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो असल काम करने का तो ये है ये बहस छोड़ दो कि डायरेक्शन क्यों चेंज हुई अल्लाह ताला का फैसला था अल्लाह ताला ने तुम्हें वो उम्मत बनाया जिसने अब लीड करना है ये एक मैसेज था बनी इसराइल को कि तुम अब उम्मत वो नहीं रहे जो लीड करती थी अब ये उम्मत है इन्हीं का किबला अक्सा भी इन्हीं की है और बैतुल्ला भी इन्हीं का है क्योंकि पहले सत्रह महीने अक्सा की तरफ रुक करके नमाज भी पढ़वा दी और अगर आपने सीरा पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि मेराज के मौके पर मस्जिद अक्सा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम अम्बिया कराम को नीचे उतार कर इमामत करवाई गई थी तो ये हरम में भी तो कराई जा सकती थी ना अक्सा में कराई गई कि अब जो ये किबले हैं और ये जो मसाजिद हैं इनके वारिस उम्मत मुस्लिम हैं ना के तुम लोग तो उनको इस बात से जाहिर है बहुत खार थी तो ये जो बहस मुबासा है अल्लाह ताला ने इस बहस मुबाससे को ख़त्म करवा के तो फरमाया कि तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो फसल खैरात असल काम करने का ये होता है कि इंसान ये देखे कि मेरा वक्त कहाँ गुजर रहा है जबान का जो एक इंसान को हमें लग जाता है मुंह को लगा हुआ होता है कि हमने बस बातें करनी है हमने फोन करने हैं हमने डिस्कशंस करनी है हमने फोन करके कहना है फलाने ये कह दिया मैंने फिर वापसी वो कहा जिंदगी इसी में गुजर जाए ना हासिल ना वसूल फोन बंद करके सोचा करें वो जो उसके ऊपर आ जाता है टाइम आधा घंटा बात की पैंतालीस मिनट बात की क्या बात की उसका नतीजा क्या निकला क्या कुछ खैर बरामद हुई उसमें से या बस जस्ट सिर्फ अपनी जबान का एक चस्का पूरा किया बात करने का जो सारा एक जज्बा है ना वो अगर अल्लाह ताला की तरफ डायरेक्ट हो जाए ना कि हम अल्लाह से बात करते हैं मुझे किसी बात पे तकलीफ पहुंची है मैं अल्लाह से बात करती हूँ ना कि ये कि मैं जहाँ उठू मैं उसी बात को बार बार करती रहू मैं उसी को दोहराती रहू और अपना सारा वक्त अपनी सारी एनर्जी उधर ही डाल दू और मैं किसी नेकी के काम में शरीक ही ना हूं मैं किसी नेकी के काम में सोचू ही नहीं रेस लगानी है ना इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये जो रेस है इसका भी जज्बा रखा है ये नहीं है कि इंसान कंपेटिटिव इंसान की नेचर के अंदर है और ये बुरी नहीं है लेकिन ये किस चीज में है क्या इसी चीज में है कि फला का घर कैसा है या फला की गाड़ी कैसी है या फला की तनख्वाह कितनी है या ये इस चीज़ में है कि अगर फला नेकियों में आगे बढ़ रहा है तो कुछ मैं भी कर लू मैं भी कोई कमा लूँ आखिरत के लिए तो शाह तो फर्स्ट बुल खैरात हमारा मोटो होना चाहिए तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको ले आएगा बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जहां से भी निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की जानब फेर लें और बेशक वो आपके रब की तरफ से हक है और अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो और आप जहां से भी निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की जानब फेर लें और ए मुसलमानों तुम जहां कहीं भी हो अपने मुंह उसी की जानब फेर लो ताकि तुम्हारे खिलाफ लोगों के लिए कोई हजत ना रहे हाँ इनमें से जिन्होंने जुल्म किया वो बातें करते रहेंगे बस तुम उनसे मत डरो और सिर्फ मुझसे डरो मैं आपको कल भी बताया था ना कि कुरान में कुछ जुमले कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं कि जो अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में लिए जाए तो फिर तो यही है कि अच्छा जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो यही कहा जा रहा है कि किबले के मामले में जूस से मत डरो मुनाफिक की बातों से मत डरो बस तुम अल्लाह ही से डरो लेकिन ये जो क्लॉजेस हैं ये बड़े हकीमाना क्लॉजेस हैं और ये हमारी पूरी की पूरी जिंदगियों पर मुहित होते हैं और यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है फला तख्सवनी और ये एक एक हम अगर अपना जिंदगी का इनको हासिल बना लेना तो हमें बहुत फायदा हो मत डरो किसी से भी जो अल्लाह के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है या अल्लाह के अगेंस्ट ले जा रहा है या आपके आखिरत की बर्बादी के दर पे हुआ है तो उससे मत डरो मुझसे डरो यानी अल्लाह से डरो और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए निकाल देता है रास्ते अल्लाह ताला उसके लिए आ, मुश्किल में से निकलने के रास्ते खुद ब खुद उसके निकाल देता है उसकी मुश्किलें आसान करना अल्लाह का काम है बस तुम उनसे मत डरो और सिर्फ मुझसे डरो ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी करूं और ताकि तुम हिदायत पाओ जो अल्लाह से डरने का गुर सीख लेता है ना कि सिर्फ मैं अल्लाह से डरता हूं और मैं किसी और से नहीं डरता तो ये एक तरह से नेमत का इतमाम है इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं है किसी इंसान को मिली कि इंसान सिर्फ अल्लाह से डरे ये बहुत बड़ी नेमत है और ये वो डर है कि जो आपको और बाकी हर डरों से हर गाम से हर खौफ से कोई इंसान है कोई आफत है कुछ भी है आपको उससे बेन्यास कर देता है कि अल्लाह है ना सब कुछ ठीक रहेगा अल्लाह है ना और ताकि तुम हिदायत पाओ हिदायत का राज भी इसी में है कि आप अल्लाह से डरें जैसे हमने तुम्हारे लिए तुम्ही में से एक रसूल भेजा वो तुम पर हमारी आयतें तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते अब ये है वो आ, पिछली कल भी ये आयत आई थी तो ये है वो आ, मनसब जो आपका नब का है उसमें जो आपको करने के काम बताए गए वो चार हैं तिलावत आयात फिर उसके बाद तिलावत आयात के बाद तस्किया तस्किया नफ्स तिलावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह किया करते थे साहबा बताते हैं कि वो जो आता है ना सराजम्बिल कुरान तरतीला कुरान को तरतील के साथ पढ़ो और जैसे कल हमने पढ़ा नहु हक तिलावती ही इसकी तिलावत का हक अदा करते हुए पढ़ते हैं तो तरतील के साथ पढ़ने में ठहर ठहर कर पढ़ना भी आता है एक आयत जहाँ खत्म होती है वहां इंसान रुके फिर अगली आयत पढ़े ये नहीं के तेज तेज पढ़ते जाए और पता ही न चले कि क्या पढ़ा था और ना ही उसके कोई कवायद ना हमें पता हो ना हम बाज़ बाज़ात हम ऐसी गलती कर जाते हैं कि जिसको लहने जली कहा जाता है यानी वो ऐसी गलती है कि जो गुनाह बन जाती है बाज़त जेर जबर पेश का फर्क या अपने वक्फ किस जगह पे किया वो भी बिल्कुल आयत का तर्जमा ही गलत कर देता है बास मकामात कुरान में ऐसे हैं कि जहाँ जेर जबर के फर्क से कलमाई कुफर हो जाता है तो लिहाजा हमें कुरान की तिलावत में अपने आप को जरा प्रोफिशेंट बनाना चाहिए और इसके लिए अब तो इतना आसान है अब तो ऑनलाइन इतने कोर्सेज होते हैं अब तो इतना आपको घरों के अंदर से बैठे बैठे इतनी सहूलत के साथ आप सब कुछ सीख सकते हैं तो कुरान की तिलावत पर अपना वक्त लगाना बहुत ही फायदा मंद है दुनिया और आखिरत दोनों के लिए दूसरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन वो है तस्किया लोगों का तस्किया करना और इसमें हम एग्जाम्पल्स अगर देखें ना तो जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में वो महातम की तरबियत की है तो वो सारा तस्किया ही का जो आपका फरीजा है वो सर अंजाम दिया है आप वसल्लम ने उस तरबियत में मसलन एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े घबराए हुए उठे और आप उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबहान आज की रात कितने ही खजाने नाजिल हुए और कितने ही फितने नाजिल हुए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो हुजरे वालियों को जगाए यानी महातिन को जगाए और उनसे कहे कि वो उठे और नमाज पढ़े यानी जब आप अलैहि वसल्लम को आइंदा आने वाले उमत मुस्लिम दिखाई दिए मिलेंगे और फितने भी बड़े ही आएंगे इस उम्मत में तो आप का पहली किस तरफ गई? घर की औरतों की तरफ कि घर की औरतें उठे और रात को नमाज पढ़े तहजद के दो नफल पढ़े वो जो तहज के दो नफल हैं वो क्या क्या करते हैं इंसान के लिए ये किसी वक्त हम इन शह जब तहज पर बात करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि तजकिए का सबसे पहला स्टेप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहाँ से शुरू हुआ अपने घर से अपनी बीवियों से फिर इसी तरह सैयदा सफिया ना के बारे में एक सैयदा आयशा खुद फरमाती हैं कि मैंने एक दफा आ, इतना सा कह दिया कि आ, उनका कद छोटा है उनके लिए यही क्या काफी नहीं है कि उनका कद छोटा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुमने ऐसी बात कही है कि अगर वो समंदर के पानी में मिला दी जाए तो समंदर का पानी जो है वो कड़वा हो जाए यानी ये ये किया कि आप समझाने का तरीका ये बनाए कि दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाए कि मुझे ये काम आइंदा नहीं करना और इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं बच्चों को सिखाते थे आप वसल्लम एक सहाबी है जो बच्चे थे आपकी एक बीवी के बेटे थे उमे सलम के तो कहते हैं मैं भाग के आया मैं बच्चा था और आते साथ मैंने प्याला था उसके अंदर मैंने हाथ डाल दिया कुछ खाने के लिए तो आपने फरमाया कि बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ो वकुल भी अमीन एक और अपने दाएं हाथ से खाओ तो ये जो तरबियत है और तजिया है ये आप अलैहि वसल्लम ने सिखाया है ये मैनरिज्म है और यही मेरे अगर उम्मत मुसलिमा इख्तियार करेगी तो ही फला पाएगी वरना तजकिए के कोई तरीके मुख्तलिफ अगर हम इक्तिर करते रहेंगे जो खुद हैं तो उनके अंदर हमें कुछ नहीं मिलने वाला और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है किताब यानी कुरान और हिकमत यानी आप सल्लाम की दानाई वाली बातें यानी अहादीस किताब और हमत का जब इकट्ठा कुरान में आता है तो हिकमत से मुराद मुरादी होती हैं और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे कितने कितने आदाब हैं सोने जागने के आदाब हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना सिखाए होते तो हमें कैसे पता होता कि सोना कैसे है सोते वक्त पढ़ना क्या है आयतल कुर्सी तो मेरे ख्याल है हम सभी पढ़ते होंगे इंशाल्लाह उसके अलावा भी जो आपने अपनी बेटी को तस्बीहात फातिमा जिनको हम कहते हैं थकन का इलाज बताया ये है की पीक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी और आपको दुनिया में सबसे अजीज हस्ती और जेनुइन उनका मुतालबा जेनुइन उनकी रीजनिंग लिटरली उनके हाथों में छाले थे और सीरत नगार ये लिखते हैं कि फातिमा रजिया वीक स्टेचर की थी क्योंकि वो जिन चीजों में से गुजरी थी जिन हालात में से तो उनकी सेहत कमज़ोर थी और पै दर पै फिर बच्चे पैदा हुए और घर का काम और घर के काम भी ऐसे नहीं कि कोई स्वच्न किया है तो कोई चीज ब्लेंड कर लिया तो वो काम कर लिया वो चक्की पीसने वाले काम और उसमें वो वालिद से एक कोई हेल्प डोमेस्टिक मांगने आई है तो आप ने नहीं दी आपने फरमाया मैं कैसे प्रेफर करूं तुम्हें असाब सुफा पर अभी तो उनकी जरूरियात बाकी है मैं कैसे दे दूं तुम्हें मैं नहीं दे सकता और नहीं दिया और फिर उनसे कहा कि बेटा तुम तस्वी हाथ कर लिया करो रात को सोने से पहले ये है तस्किया और ये है स्पिरिचुअलिटी हम पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं तुम तस्बी हाथ करोगी तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी यानी तुम्हारा स्पिरिचुअल जो ताकत है वो तुम्हारी फिजिकल थकन को कम कर देगा हम लोग इतने थके हुए होते हैं कि हम कहते हैं मैं थकी हुई इतनी हूँ कि मुझसे पढ़ी नहीं जा रही हालांकि वही तो थकन का इलाज है कभी तो ऐसा हुआ है कि हम कहें कि मैं इतनी बीमार हूँ कि मुझसे दवाई नहीं ली जा रही तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई बातें हैं कि जो अगर वो हमें ना सिखाते तो हमें कभी भी पता ना चलती इसी तरह मुख्तलिफ जितने भी सुन्नत के आदाब हैं खाने पीने के हैं बाथरूम जाने के हैं लिबास पहनने के हैं आईना देखने के हैं हर मौके की दवाएं हमें सिखा दी गई चुनाचे तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा और तुम मेरा शिक्र करो और मेरी ना शिक्री ना करो ये भी वही एक क्लास है कि जो हर हमारी जिंदगी के एस्पेक्ट में हर फेज़ में ये हमें काम देता है वला अल्लाह ताला का जो जिक्र है ना उसके बारे में अल्लाह तुद को कुरान में फरमाते हैं के ही अकबर अल्लाह का जिक्र बहुत ही बड़ी चीज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग अल्लाह की अज़मत का जो जिक्र करते हो यानी तस्बीह सुभान अल्लाह तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज कहते हो तो वो अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और उनकी ऐसी भिन बिनाहट होती है जैसे शहद की मक्खियों की भिन बिनाहट वो अपने कहने वाले का अल्लाह के दरबार में जिक्र करते हैं क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के दरबार में तुम्हारा जिक्र होता रहे जैसा अल्लाह का जिक्र किया जाता है अल्लाह ताला भी वैसा ही जिक्र करते हैं आप जितनी दिल की हुजूरी के साथ अल्लाह का जिक्र करेंगी उतना ही अल्लाह ताला आपका जिक्र करेंगे और मुकर्रबीन, मुकर्रब फरिश्तों की मजालिस में नाम के साथ फ्ला ने यह जिक्र किया है अल्लाह तरह ये एलिवेटेड चीज़ है अल्लाह ताला का जिक्र एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरदून सबकत ले गए या मुफरीदून सबकत ले गए तो साहबा ने पूछा कि मफरीदून कौन है या रसूल वसल्लम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें क्योंकि ये सबसे आसान एक जिक्र है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरा में से सयदा जबेरिया तआला त जो है वो सबसे ज्यादा हर उम्र उम्रम का एक अलग आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलता है जो मेन शाइन आउट करता है और इनका था इबादत और जिक्र जिक्र बहुत ज्यादा करती थी तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त इनके पास से तशीफ ले गए तो ये बैठ के जिक्र कर रही थी और ये आप सल्लाम की आफ्टरनून में वापस तशरीफ लाए तो वो अभी तक जिक्र कर रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या आप अभी तक उसी हालत में हैं जिस हालत में मैंने सुबह आपको छोड़ा था तो उन्होंने कहा जी हाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आपके इस सारे दौरान में चार जुमले तीन मरतबा कहे हैं और वो आपके इस सारे दौरानिए का जो जिक्र है उससे भी बढ़कर भारी है बायसर सवाब है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको जिक्र बताया है। लेकिन यहाँ ये बात काबिल गौर है कि आपने उनको रोका नहीं है कि आप इतना लंबा बैठ के जिक्र ना किया करें आपने एक तरह से उनको एक और गिफ्ट दे दिया एक और तोहफा दे दिया कि यह भी एक शॉर्टर जिक्र भी है कि कभी अगर इंसान लंबा जिक्र ना कर सके तो ये शॉटर कर ले किसी को पता है वो कलिमात क्या है सुबह अल्लाह बिहमदिही ही वरिदा नफसी ही खल अरशी ही, ही इस जिक्र को तीन मरतबा अपनी सुबह और शाम की दुआओं का हिस्सा बना लें और सुबह सूरज तुलु होने से पहले इस जिक्र से शुरू करें और बाकी अपनी दुआएं फिर बाद में करें इसी तरह से सूरज गुरूब होने से पहले भी और फिर एक और जिक्र है सुबह अल्लाम सुबहानल्लाम इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलिमात हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं मीज़ान में बहुत भारी हैं और रहमान के बड़े पसंदीदा हैं मैं तुम्हें याद करूंगा और तुम मेरा शुक्र करो और मेरी ना ना शुक्री करो शुक्र जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत इमोशन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला किसी बंदे पर नेमत फरमाए और वो नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इस बंदे ने जो दिया वो बेहतर है उससे जो उसने लिया यानी जिस नेमत का शुक्रिया अदा किया अल्लाह तो शुक्रिया ज्यादा बड़ी चीज है बनस्बत जो भी नेमत उसने इस्तेमाल की जो खैर भी उसको मिली है, तो इसलिए हर बात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक क्या था जब आप खुश होते किसी काम पर किसी बात पर तो आप फरमाते अलहमद लाही बेनियमती कि शुक्र है उस का, तारीफ है उस की कि जिसकी नमत से ये ये नेक काम तकमील को पहुंचा और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गम या कोई ऐसी खबर आती या कोई ऐसी सिचुएशन होती तो भी आप फरमाते अल्हम्दुलिल्लाही हाल हर हाल में अल्लाह की हमद हर हाल में अल्लाह का शुक्र फिर फरमाया ए लोगों जो ईमान लाए हो तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो सबर सबर का लुघ भी मानी है डट जाना डट जाना यानी किस चीज के आगे, आगे आप डटते हैं जब आप सबर करते हैं आप डटते हैं अपने उस जो अंदर से एक रिएक्शन एक उबाल उठ रहा होता है ना उसके सामने मसलन आपको गुस्सा आया आपका रिएक्शन क्या है बेसब्रपन का रिएक्शन क्या है आप सबसे पहले जो आप बैठे हैं आप खड़े हो गए आपने कोई चीज उठा के आपने किसी को कुछ बुरा कह लिया कुछ मार दिया उसको दरवाजा बैंक किया रिएक्शन है जो बेसब्री पर मबनी है और ये वो रिएक्शन है जो फौरी तौर पर आपके अंदर से उठता है डटना क्या है फिर सब्र क्या है इसके आगे डट जाना है कि नहीं ये नहीं करना और कोई भी आप सिचुएशन ले लीजिए जिसमें इंसान बेसब्रपन का मुजाहिरा करता है कोई ख्वाहिश की तकमील फॉर एग्जाम्पल इसराफ है कोई चीज़ खरीदने पर दिल कर पड़ा है लेकिन पता है कि वो इसराफ है वो फजूल खर्ची है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर उस वक्त उस ख्वाहिहिश के आगे डट जाना जो है वो सबर है और सब्र से भी बड़ी कोई नियमत अल्लाह तसी को दी नहीं नबी सल वसलम ने फरमायाब्र ज्या जिया है रोशनी है विजन देता है इंसान को इंसान को मामला की हमतें सिखाता है और इंसान को आगे बढ़ने की एक मूव ऑन करने की उसके अंदर एक अर्ज और हिम्मत पैदा करता है सबर कोई तारीकी या जबरदस्ती और जोर का नाम नहीं है हमारे यहाँ जो ये बने हुए ना बातें कि हम कहते हैं कि अब सबर के सिवा और चारा ही क्या है तो वो सबर नहीं होता और फिर यह है कि आप सल्लाम ने फरमाया सबर वो होता है कि जो चोट पड़ते ही किया जाए क्योंकि उस वक्त इंसान को अपने आप को रोकना जो है ना वो है असल सबर वरना बाद में तो सब्र आ जाता है बाद में तो मुसीबत जो है वो बड़ी होती 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 छोटी होने लग जाती है उसकी कई हमतें समझ आने लग जाती हैं उसमें विजडम नजर आने लग जाता है तो लिहाजा सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो नमाज भी सबर ही का एक मैनिफेस्टेशन है नमाज जब आप पढ़ते वसल्लम का तरीका था कि कोई हाजत जब आपको होती थी कोई भी आपको आ, मामला दरपेश होता था तो आप नमाज की तरफ चलते थे आप नमाज की तरफ जाते थे सहाबा कराम भी एक सहाबी थे जिनके बारे में आता है कि उनको वो घोड़े पर सवार थे ऊँट पर सवार थे तो उनको किसी ने उनके भाई के इंतकाल की खबर दी वो उतरे दो रखकर नफल पढ़े और उसके बाद रिएक्शन दिया वो रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है एक तो नमाज आपको एक स्पिरिचुअल ताकत दे देती है और दूसरे कुछ टाइम लैप्स हो जाता है चाहे वो चंद मिनट का ही क्यों ना हो एक हदीस में आता है ना कि ये भी सबर ही है ना कि जब हदीस में एक हमें टेक्निक बताई गई है कि गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ बैठे हो तो लेट जाओ यानी अपना फिजिकल पॉस्चर रिलैक्स करो और डिले करो रिएक्शन को डिले करो और यही सब्र है हर हर सिचुएशन में रिएक्शन को डिले कर लिया करें जल्दबाजी मरवाती है इंसान को जल्दबाजी का गुस्सा जल्दबाजी का वापसी दिया हुआ जवाब जल्दबाजी का वापसी किया हुआ फैसला कितना कितना इंसान पछताता है उस पर बात में तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट माइत का भी समझ लें वो आपको पूरे कुरान में बार बार ये कॉन्सेप्ट नजर आएगा और वो है माइत का अल्लाह ताला का साथ अच्छा अल्लाह ताला तो हर किसी के साथ है कुरान में आता है वह हुआ माकुम अकुम तुम वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो क्या काफिर क्या मोमिन अल्लाह ताला फरमाते हैं ना मुनाफिकीन से भी फरमाते हैं कि तुम दो होते हो तो तीसरा अल्लाह है तुम पांच तो होते हो तो छठा अल्लाह होता है यानी अल्लाह ताला को सब कुछ अपने इल्म से पता है लेकिन एक और है अल्लाह ताला की मईत खासा खास माइत खास माइत का मतलब है ख़ास मदद और वो अल्लाह ताला अपने कुछ ऐसे बंदों की करते हैं कि जिनके अंदर कोई ख़ास क्वालिटीज होती हैं मा मुत्तकीन मास साबिरीन तो ये वो क्वालिटीज हैं कि आपके अंदर होंगी तो अल्लाह ताला आपके साथ होगा अल्लाह ताला आपका साथ देगा कदम कदम पर आपको अल्लाह ताला का साथ नजर आएगा महसूस होगा अल्लाह ताला इंसान के लिए टाइमिंग प्लान कर देते हैं अल्लाह ताला इंसान के लिए मौसम प्लान कर देते हैं अल्लाह ताला इंसान के लिए वो बंदे प्लान कर देते हैं एक वक्त पर के जो उसको आ, मदद कर सकते हैं लेकिन ये तब होगा कि जब आपके अपने अंदर वो एट्रीब्यूट वो कैरेक्टर करेक्टर स्ट्रेंथ होंगी आपके अंदर और यहाँ पर सबर वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है कि जिसके बाद आपको अल्लाह ताला का साथ मिलता है अल्लाह की माइत मिलती है आ, सबर और शुक्र के बारे में एक हदीस है कि वसल्लम ने मुआज बिन जबल रदी से फरमाया कि ए मुआज मुझे तुमसे मोहब्बत है ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत तरीका था कि आप सहाबा को जिनके साथ आपको उन सोता आप बताते आप उनको बताते थे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूल मुझे भी आपसे मोहब्बत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो फिर हर फर्ज नमाज के बाद ये कलिमात कहना ना भूलना रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती का के अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा अपने जिक्र की अपने शुक्र की और हुस्न इबादत की फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तकुलू वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वला कि ला तशुरून और जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम शूर नहीं रखते अब ये जो जिंदगी है शहीद की जो किताल फी सभी में अपनी जान दे देता है और अल्लाह की खातिर देता है तो उसकी जो बरसक की जिंदगी है वो आम किसी भी नेक इंसान की भी जिंदगी से फर्क है दुनियावी अहकाम उसके वही है लेकिन अः फौत वो होता है वो जिंदा नहीं रहता दुनिया में जिंदा नहीं रहता कबर की जिंदगी है जिसमें कि उनको कोई रिस्क भी मिल रहा है लेकिन हमें उसका शौर नहीं है रसोल्ला सल्हे जाफरदानो जो कि शहीद हुए थे गजबाए जंग मुता में और उनके दोनों बाजू कट गए थे तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जाफ़र को जन्नत में फरिश्तों के साथ उड़ते देखा है इसीलिए उनको जुल जनाहन का लकब दे दिया गया था दो परों वाले तो शहीद की जो बरज़ी जिंदगी है वो फर्क है लेकिन बहरहाल हमें उसका शौर नहीं है और बा इस तरह की एग्जाम्पल मिली है हिस्ट्री में कि सैकड़ों सालों बा, बाद भी जब कोई कब्रें उनकी खोदी गई तो उनके जिसम बिल्कुल वैसे के वैसे तरोताजा थे वो दो सहाबा जो है जाबिर बिन अब्दुल्ला और हुजैफा बिन यमान उनका तो ये वाक्य वाक़ा है अगर आप उसको गूगल करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि किस तरह वो मुफ्ती आजम के खाम में आए इराक के और फिर उन्होंने जाके बादशाह को कहा बादशाह पहले ना माना फिर वो बार बार खाबें आती रही कि हमारी कपड़ों में पानी आ रहा है हमें से शिफ्ट करो फिर वो 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 पूरा एक वो प्लान बनाया गया वो आप पढ़ सकते हैं कहीं भी अब पूरी तहरीर मौजूद है और एक साहिब थे जो सत वहां पर एम्बेसडर थे अपने हमारे पाकिस्तान के उनकी और उनकी वाइफ ने उन्होंने ये सारा खुद देखा वो एनी शाहिद है उसके तो उन्होंने उसको तहरीर किया हुआ था कि किस तरह से ये हुआ और किस तरह जब क्रेन के ऊपर बांध के उनकी अः को उठाया गया तो कब्रों में नमी भी आ चुकी हुई थी और उनके जो दाढ़ी के बाल तक थे वो भी इंटैक्ट थे आंखें खुली हुई थी आंखों में चमक थी और एक जो जर्मन कोई आई स्पेशलिस्ट था वो तो उसी वक्त मुसलमान हो गया और कई सैकड़ों घराने उस वक्त कई क्रिश्चियंस और ज्यूस के जो हैं वो मुसलमान हुए थे और फिर अगर आ, आप इराक जाएं तो मदायन में सलमान फारसी रदीलानों की कबर है और उसके साथ ही ये दो नई तर्ज की खबरें हैं आ, एक राम की, जाबिर बिन और बिन यमान की तो इस तरह की निशानियां अल्लाह तला बहरहाल हमें फिर भी दिखाते रहते हैं इस में हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए हम और हम तुम्हें किसी कदर खौफ और भूख से और मालों, जानों और फलों में कमी करके जरूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए यानी आप देखें कि यही कुछ चीजें होती हैं ना पांच चीजें जिनमें कोई ना कोई मुसीबत इंसान को आ सकती है या खौफ अमनो अमान की कैफियत खत्म हो जाए हर वक्त अपने घर के अंदर बैठा हुआ भी इंसान अपने आप को अनसेफ महसूस करे तो एक तो ये खौफ फिर दूसरे भूख इंसान के रिसोर्सेस खत्म हो जाए या इंसान की बाइंग पावर खत्म हो जाए इंसान के पास पैसा ना रहे खाना हो लेकिन वो ले ना सके या खाना ही ना हो मालो जानो और फलों में कमी चाहे कोई बिजनेस का बैंक हो जाए चाहे कोई फसल खराब हो जाए फिर इसी तरह जान में कोई हादसा आ जाए अपनी जान को कोई हादसा दरपेश आ जाए कोई बीमारी या किसी का दुनिया से चले जाना और फलों में कमी पैदावार में कमी यही पाँच चीजें हैं जो घूमती रहती हैं जिनके गिर्द हम घूमते रहते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जरूर बर जरूर वल न कुम ये इंतहा है ताकिद की अरबी जबान में जिस तरह से ये लफ आया है शुरू में लाम और एंड में नून मुशद्द जब ये दोनों इकट्ठे आ जाए तो ये ताकीद की इंत होती है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आजमाइश तो होगी ही होगी ये तुम भूल जाओ कि आजमाइश नहीं होगी आजमाइश होनी है अब जो लोग इन सिचुएशंस में सबर कर लेते हैं उनके लिए खुशखबरी है और सब्र करने का यहाँ पर तरीका क्या बताया जा रहा है वो अल्लाह ताला ने हमें एक कलिमा दिया है जो कि हमारे लिए नेमत है इन्ना लाही व इनाज उन हम अमूमन इस कलमे को पढ़ते हैं सिर्फ उस वक्त जब किसी की वफात की खबर सुनते हैं हालांकि कोई भी ऐसी चीज के जो आपकी नापसंदीदा हो या आपको दरपेश आ जाए या आप कोई खबर ऐसी सुन लें मौत के अलावा भी तो आप इसके ऊपर ये कलिमा पढ़ सकते हैं आपका अजर साबित हो जाएगा यहाँ तक कि आपकी कोई चीज गुमे और जिस दौरान आप ढूंढ रहे हो तो आप ये पढ़ते रहें तो आपका अजर भी साबित होगा और इसकी बरकत से चीज़ मिल भी जाएगी और गम जो है वो हल्का भी हो जाएगा साहबा की जो मुश्किल हैं और जितनी आजमाइशें हैं उनको अगर हम याद कर लें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो लेवल है शायद सबर का हम भी पा लें उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि जुबैर बिन नवाम ये सहाबी हैं अशर मुबशरा में से हैं नबी अलैहि वसल्लम की फुकी सफिया रदी के बेटे हैं आठ साल की उम्र में मुसलमान हुए और अट्ठारह साल की उम्र में मदीना हिजरत की जुबैर का जुबैर को इस्लाम लाने पर टाट में लपेट देता और आग से धुनी देता फिर कहता कुफिर की तरफ लौटा तो जुबैर रदीलाना जवाब में कहते अब मैं कुफिर की तरफ कभी नहीं पलटूंगा आठ साल का बच्चा इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की राह में इतना डराया गया हूँ कि कोई दूसरा इतना नहीं डराया गया और मैं अल्लाह की राह में इतनी अजियत दिया गया हूँ कि इतनी अजियत कोई दूसरा नहीं दिया गया मुझ पर तीस दिन रात ऐसे गुजरे हैं कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की कोई ऐसी चीज मयसर नहीं थी जिसे इंसान खा सके सिवाय उस चीज़ के जो बिलाल की बगल में आ जाती यानी कोई थोड़ा सा तोशा कोई जौ के कुछ दाने कोई सत्तू या कोई ऐसी चीज और वो ही मुंह पे डाल लेते थे तो जो लोग इन्ना लाही व इन्ना राज पढ़ लेते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं यही लोग हैं जिनके लिए उनके रब की तरफ से बख्शिश और रहमत है और यही हिदायत याफ्ता है बख्शिश रहमत और हिदायत की खुशखबरी तीनों किस बंदे के लिए जो गम आने पर किसी भी किस्म का फाइनेंशियल है चाहे जानी है माली है कोई भी नुकसान है उस पर वह इला व इना, इना जन पढ़ता है वावे नहीं करता दुख और गम की तकलीफ जो अंदर है ना वो इजाजत है उसकी और वो होती है वो नॉर्मल है वो नेचुरल है लेकिन ये कि उसके ऊपर वावेला और उसके ऊपर गिले और मी मैं ही क्यों मेरे साथ ही क्यों ये कहना जो है ये दुरुस्त नहीं होता ये अल्लाह को पसंद नहीं है तो अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश रहमत और हिदायत अगर हम चाहते हैं तो हमें चाहिए कि मुसीबत में सब्र किया करें एक और भी पहलू है मुसीबत में सब्र या बेसब्री का और वो है कि जब कोई मुसीबत पड़े तो इंसान मौत ना मांगे बहुत से लोग मौत मांगते हैं और ये हमें ना हक दिया गया है और ना ही ये कोई दानाई पर मबनी बात है अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी मुसीबत आप पड़ने पर मौत की तमन्ना ना करे उसे जरूरी कुछ कहना हो तो ये कहे या मुझे जिंदगी दिए रख जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है और मुझे मौत दे दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो क्योंकि अल्लाह के तो कोई नहीं जानता ना कि हमारे लिए मौत कब बेहतर है और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी मौत की तमन्ना ना करे और उसके आने से पहले उसे ना बुलाए क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल मुनकते हो जाता है मोमिन की उम्र जितनी बढ़ती है उसके लिए भलाई ही में इजाफा होता है क्योंकि आदमी के अच्छे और बुरे अमाल जो है ना वो उसके खात्मे पर भी असरअंदाज होते हैं अच्छे और बुरे से पता चलेगा ना कि इंसान को फरिश्ते कौन से आने है। के आने हैं, रहमत निशानियों इनको अल्लाह अपनी निशानियां करार दिया एक खातून की वजह से हाजरा जिनको इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का में उस वक्त छोड़ा था कि जब वहां पर इंसान तो क्या कोई हैवान भी नहीं था बसता था। इसलिए कि वहां पानी नहीं था और जहाँ पानी ना हो वहां लाइफ नहीं होती ना ये कभी जंगलों में जो लोग घूमते हैं ना उनको जो ये जो शौकीन मिजाज होते हैं जंगलों के सैलानी लोग तो उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है ना तो उन, उनको कहा जाता है कि अगर तुम गुम जाओ तो कोई छोटी सी छोटी नदी भी अगर तुम्हें मिल गई ना तो उसके साथ साथ चलना शुरू कर देना क्योंकि जहां पानी है वहां इंसान जरूर होगा वहां लाइफ होगी तो पानी तो जिंदगी की जमानत है ना जहाँ पानी ना हुआ तो वहाँ आपकी हलाकत है और वहां बगैर पानी की जगह के इब्राहिम को हुक्म हुआ कि वो शीर ख्वार बच्चा दूध पीता बच्चा और बीवी उसको छोड़ो और खुद चले जाओ खुद भी नहीं रुको वहां पे उस वक्त हाजरा ने इब्राहिम आसमाम के पीछे भाग के उनसे पूछा था कि क्या अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है तो आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ तो हाज़रा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तब वो हमें जाया नहीं करेगा यानी ये नहीं हो सकता कि अब हम यहाँ रहे और हम भूखे प्यासे हम मर जाए और बस बात खत्म हो जाए ये नहीं हो सकता अल्लाह तला से उसने जन रखना और अल्लाह तला पर तोल रखना ऐसे ऐसे मुजे करता है ये तो हाज़रा अलैहिस्सलाम की जिंदगी है ना हम आम गुनेगार खी इंसानों की जिंदगियों में भी तवक्ल आ जाए तो हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ऐसा रोनमा हो जाता है वाक्या के इंसान हैरान रह जाता है कि अच्छा अल्लाह ताला, ताला ने मेरे लिए ये कुछ कर दिया तो अल्लाह पर भरोसा रखना है वकफा बिल्ला वकीला काफी है अल्लाह कारसाज तो हाजरा जब दूध पीता बच्चा जो है वो जब अपना दूध खत्म हो गया पानी भी नहीं था खजूरें या जो भी खाना था वो भी खत्म हो गया तो अब वो उठी अब उनको पता है कि पानी नहीं है हाजरा की जो थॉट है ना उसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए वो हमारी जिंदगी में हमें बहुत मदद देगा अब उनको पता है कि पानी नहीं है और पानी नहीं था वाकई नहीं था और मिला भी नहीं उनको पानी लेकिन वो उठी वो उठी है और अपने बच्चे की खातिर उठी है वो सब दीन की खातिर नहीं है उठी वो बच्चे के सर्वाइवल की खातिर उठी है अपने सर्वाइवल की खातिर उठी है और उन्होंने अब अगर आप अभी भी सफा और मरवा की सही करते हुए अगर कभी जरा थोड़ा सा उस वक्त सोचा करें कि अच्छा ये तो अब एसी जगह जगह जमजम और पॉपुलेटेड आगे पीछे आपके अपने पराए हर तरह के लोग मौजूद लेकिन यही वो एन जगह है जहां ये पहाड़ियां थी ये बड़े बड़े पहाड़ थे ये बंजर जगह थी ये वीरान जगह थी सुनसान थी और एक तन तनहा खातून यहाँ दौड़ रही है और बच्चे के लिए पानी ढूंढ रही है और सात चक्कर लगाए हैं अल्लाह ताला ने पहले ही चक्कर में नहीं उनको दे दिया पानी पानी तो था ही नहीं लेकिन उनकी सही उनकी कोशिश उनका तवकुल उनका अल्लाह से उसने जन कहां तक उनको काम आया कि अल्लाह ने वहां से जहां कोई नामो निशान नहीं है जेरे जमीन पानी का वहां से ऐसा चश्मा अल्लाह ताला ने निकाला कि वो आज तक मौजूद है वो आज तक उसमें से पानी गश आउट करता है और वो करता रहेगा वो खत्म नहीं होता उसकी शॉर्टेज भी नहीं होती और उस पानी के अंदर ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो खाने और पीने दोनों को दोनों को किफायत कर जाता है उसको पीने से इंसान एकदम रिजुमनेट हो जाता है ये सब कुछ किस किस वजह से मिला किस वजह से मिला उनके तवक्कुल की वजह से उनके अल्लाह से उसने जन की वजह से और ये कि उन्होंने अल्लाह ताला से कोई शिकायत नहीं की फिर बच्चा पल भी गया बड़ा भी हो गया इब्राहिम इब्राहीम भी वक्तन वक्तन आया करते थे तो अल्लाह ताला ने उनकी कदरदानी ऐसे की कि सफ़ा और मरवा को अल्लाह की निशानियां करार दिया बस जो शख्स बेतुल्ला का हज या उमरा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो इन दोनों का तवाफ करे और जो शख्स खुशी से कोई नेकी करे तो बेशक अल्लाह क़दर करने वाला खूब जानने वाला है बेशक जो लोग हमारे नाजिल करदा सरी दलाइल और हिदायत की बातों को छुपाते हैं उसके बाद के हमने लोगों के लिए उनको किताब में खोल कर बयान कर दिया है वही लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है और सब लानत करने वाले लानत करते हैं यानी जब पता चल जाए किसी बात का दीन की किसी बात का तो उसको फिर छुपाना सिर्फ इसलिए कि किसी के प्रेसर में आके या ये के फला को बुरा लग जाएगा तो ये लानत वाला फेल है मगर वो लोग के जिन्होंने तोबा की और अपनी असलाह कर ली और हक को खोल कर बयान किया तो वही लोग हैं जिनकी मैं तोबा कबूल करता हूँ और मैं बहुत ज्यादा तोबा कबूल करने वाला बहुत रहम करने वाला हूँ बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और इस हाल में मर गए कि वो काफिर ही थे तो वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है वो इस लानत में हमेशा रहेंगे ना तो उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना उन्हें मोहलत ही दी जाएगी अगर कोई अकीद कुफुर पर ही दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए हम दुआ मफ़रत नहीं कर सकते हमारे यहाँ भी हम हर चीज ही अपने वो वेस्ट की तकलीद में हम भूल जाते हैं कि हम कर ही क्या रहे हैं तो वो किसी ने रेस्ट इन पीस लिखा हो किसी बंदे के लिए तो हम भी वही लिखना शुरू कर देते हैं वो आर आई पी आर आई पी आर आई पी लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है तो हमारे लिए जायज नहीं है कि हम किसी भी चाहे वो दुनियावी लिहाज से कितने ही कार्य खैर कर गया अगर वो अकीदा एक कुफुर पर दुनिया से गया है तो उसकी दुआ मफफरत की हमें इजाज़त नहीं है और तुम्हारा मबूद एक ही है उसके सिवा कोई मबूद नहीं वो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में और उन कश्तियों में जो समंदर में उन चीज़ों को लिए चलती हैं जो लोगों को नफ़ा देती हैं और अल्लाह के नाजिल करदा आसमानी पानी में कि फिर उसके ज़रिए से ज़मीन को जो मुर्दा हो चुकी थी जिंदा किया और उन हर किस्म के जानवरों में जो उसने जमीन में फैलाए हैं और हवाओं के फेरने में और इन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान पाबंद कर दिए गए हैं अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं ये सारी साइंस सा, जो भी आप पढ़ लें फिजिक्स पढ़ लें केमिस्ट्री पढ़ लें बायोलॉजी पढ़ लें बॉटनी पढ़ लें जो मर्जी पढ़ लें आप उसके जरिए से अल्लाह को पा सकते हैं और अक्लमंद जो होता है वो अल्लाह का इनकार नहीं करता साइंस को पढ़ के बल्कि अल्लाह ताला को पा लेता है व मिन नासीम तन्दूनताबीनाशत हब्बल्ला और बाज लोग वो हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को शरीक ठहराते हैं वो उनसे यूं मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में ज्यादा सख्त हैं जो मोस्ट पावरफुल इमोशंस है ना उनमें एक ग्रेटिट्यूड यानी शुक्र और दूसरे लव यानी मोहब्बत पहले कहते थे फियर बड़ा पावरफुल है इमोशन लेकिन अब कहते हैं लव मोहब्बत बहुत पावरफुल इमोशन है मोहब्बत फात है आलम है ना तो मोहब्बत जब होती है तो इंसान उसमें बहुत कुछ करता है माँ बच्चा क्यों पालती है मोहब्बत की वजह से बड़ी बड़ी कुर्बानियां इस दुनिया में क्यों दी जाती हैं मोहब्बत की वजह से तो ईमान वालों की सबसे ज्यादा गहरी मोहब्बत किससे होनी चाहिए अल्लाह ताला से यानी ईमान वाले होते ही ज्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत में गहरे हैं यानी ये ईमान का एक तकाजा है और इसी तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मुमिन नहीं हो सकता जब तक उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए एक है, बिन थे, खूबसूरत थे आप के हम शक्ल भी थे और ये मुसलमान हुए और ये इतने नाजो नियम में पले हुए थे कि सुबह और लिबास पहनते थे और शाम और लिबास पहनते थे और इनकी वालिदा इनको यमन से यानी इम्पोर्टेड कपड़े मंगा मंगा के इनको पहनाती थी और जिस जगह से ही गुजर जाते थे तो कोई बाद में आने वाला उनको पता चल जाता था कि मुसब यहाँ से गुजरे हैं मक्का की गलियों में और यानी वो खुशबूएं ऐसे इनसे आ रही होती थी तो उसके बाद जब ये ईमान लाए तो उमर रदी तु कहते हैं कि रसोल्लाम ने मुस्बिन को इस हाल में आते हुए देखा कि उन्होंने मेढे की खाल से अपने जिसम को ढांप रखा था वो वालिदा ने सारी जो मरात है ना जो दी हुई थी जो प्यार मोहब्बत था वो सब वापस ले लिया जब ये ईमान लाए तो इनके पास फिर ओढ़ने को जब कुछ नहीं था तो फिर एक खाल थी जिसके साथ ही अपना तैबंद बना लेते थे तो सहाबा को मुखातिब करके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कि इसको देखो जिसके दिल को अल्लाह ने इस्लाम के नूर से मनवर किया मैंने इसके वाले को इससे बेहतरीन खाना खिलाते और पिलाते देखा है और इसने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में से तर्क किया है जैसा कि तुम देख रहे हो तो मोहब्बत बहुत कुछ करवाती भी है और बहुत कुछ छुड़वा भी देती है इंसान से और इंसानों को अहले ईमान को अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए और जिन लोगों ने जुल्म किया अगर वो उस वक्त को दुनिया ही में देख लें जब वो अजाब देखेंगे तो जान लें कि बेशक सारी कुत अल्लाह ही के लिए है और ये कि बेशक अल्लाह शदीद अजाब वाला है जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी उन लोगों से बेजार हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की थी ये बड़ी अहम एक बात है और एक अहम मरहला है जो क्यामत के दिन होना है कि जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी उन लोगों से बेजार हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की थी और वो अजाब देखेंगे और उनके तमाम तालुक़ात कट जाएंगे और जिन लोगों ने पैरवी की थी वो कहेंगे काश के हमारे लिए एक बार दुनिया में वापसी हो तो हम भी उन लोगों से इसी तरह बेजार हो जाए जिस तरह वो हमसे बेजार हो गए हैं कयामत के दिन जो भी गैर अल्लाह हमने मबूद यहाँ बनाए चाहे वो कोई बुजुर्गान दीन है चाहे वो कोई पीर वली हैं चाहे वो कोई फौज शुदा है चाहे जिंदा है चाहे फरिश्ता है चाहे दरख्त है चाहे पत्थर है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्यामत के दिन वो तो कहेंगे कि हमने नहीं कहा था इन्हें कि हमारी पूजा करो हमारे दुनिया से चले जाने के बाद अब ये तो बिल्कुल हो जाएंगे ना जिन्होंने पूजा की थी ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाएंगे इनका तो कोई रह, रहेगा ही नहीं इन्होंने तो जो एक बनाया हुआ था कि ये हमारा आसरा है कयामत के दिन तो वो तो बेजाज ही कर देंगे वो कहेंगे हमें नहीं पता इनका ये कौन लोग हैं ये अगर आके बैठ गए थे फर्ज करें हमारी कब्रों पे आके बैठ गए थे तो हमने तो नहीं कहा इनको वो अपनी जान छुड़ाएंगे और ये जब ये देखेंगे ये पैरवी करने वाले ये कहेंगे काश एक दफा दोबारा हम दुनिया में जाए हम वहां जाकर इनसे उस तरह बेजारी का इजहार करें जिस तरह ये आज हमारे से बेजारी का इजहार कर रहे हैं यानी इतनी पथेटिक एक सिचुएशन बन जाएगी कि जिनकी खातिर अपनी दुनिया में अकीदा तोहहीद को अपनी दुनियावी जिंदगी में अकीदा को इतना डैमेज किया इतना कॉम्प्रोमाइज किया वो क्यामत के दिन कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है कि ये हमारी पूजा करते थे अल्लाह उनके अमाल को नाकाम ख्वाहिश बनाकर उनके सामने इसी तरह दिखाएगा और वो आग के अजाब से निकलने वाले नहीं होंगे ऐ लोगो तुम उन चीज़ों में सिखाओ जो, जो जमीन में हलाल और पकीजा है और मत पैरवी करो शैतान के कदमों की बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है बस वो तो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है शैतान का एक ही काम है बुराई और बेहयाई के कामों की तरफ लेकर जाना और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते आयशा रदी अल्लाह फरमाती हैं कि एक दिन अंसार के घराने में एक बच्चा फौत हो गया और जाहिर है एक मासूम बच्चा है और सबको पता है ये उलमा का इसके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अहले ईमान के छोटे बच्चे जो वफात पाते हैं वो जन्नत में जाएंगे लेकिन उन्होंने आयशा रदी ने खुद से कहती है कि मैंने कहा कि वो तो जन्नत में परिंदा है वो तो परिंदों के साथ जन्नत में उड़ रहा होगा यानी जैसे एक प्यार आता है तो उनके मुंह से ये बात निकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बात कहने से भी मना फरमाया कि गैब के, के मामला में और दीन के मामला में पास से कोई तीर तुक्के चलाना या कोई बात करना जो है वो खतरे से खाली नहीं इससे दीन चेंज भी हो सकता है इससे बिल्कुल पूरे के पूरी थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है

उखरवी और दुनियावी दोनों की फलाह का यह मामला है लिहाजा ये बड़ा संजीदा मामला है और तुम देखो कि तुम अपना दीन किससे ले रहे हो और जब इनसे कहा जाता है कि तुम इस कुरान की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है तो कहते हैं नहीं बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया ये है तीर तुके बाप दादा जो भी करते रहे हमने वही करना है दीन के मामले में बाप दादा दुनियावी लिहाज से तरक्की याफ्ता नहीं थे हमने उनकी बैकवर्डनेस अभी अपने आप में नहीं लानी हमने कच्चे मकानों में नहीं रहना हमने सादा खाना नहीं खाना हमने सादा लिबास नहीं पहनना बाप दादा ने ये सारा कुछ भी तो नहीं किया ना उसमें बाप दादा की तकलीद नहीं है बाप दादा की तकलीद आ जाती है तो बस दीन में आ जाती है रस्म और रिवाज की तकलीद आ जाती है तो बस सिर्फ उस वक्त आ जाती है कि जब दीन पर अटैक हो रहा होता है क्या वो पैरवी करेंगे अगर चे उनके बाप दादा कुछ ना समझते हो और ना उन्होंने राह हिदायत ही पाई हो और जिन लोगों ने कुफर किया उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो उस जानवर को पुकारता है जो पुकारने और चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं सुनता वो बहरे गूंगे और अंधे हैं इसलिए वो अकल नहीं रखते ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम उन पाकिजा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें रिस्क के तौर पर दिए है ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम उन पाकिजा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें रिस्क के तौर पर दी हैं और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो हलाल और तयब हलालन तय हलाल नंबर वन हलाल, हलाल कमाई से कमाई हुई चीज हलाल होती है हराम कमाई से कमाई हुई हलाल चीज भी हराम हो जाती है समझ आई रिश्वत की कमाई से आप बाजार से फल खरीदेंगे बड़ा साफ सुथरा वो हराम है इसलिए कि आपकी वो कमाई हराम और दूसरे हराम क्या है जो इन एंड ऑफ सेल्फ हराम होता है सुअर हराम है कुत्ता बिल्ली वगैरह जानवर जो दरिंदे ठीक है तो हराम दो तरह का है और हराम खाने वाले की दुआएं कबूल नहीं होती अल्लाह ताला को जब आप कोई वास्ते देते हैं ना तो आप अपने रिस्क हलाल का भी वास्ता दे सकते हैं कि अल्लाह मैंने तेरी राह में तेरी खातिर मैंने कभी हराम लुकमा नहीं खाया ना औलाद को खिलाया और दूसरी तयब तय्यब यानी हाइजेनिक उमदा भी हो और हाइजेनिक फूड खाना चाहिए प्रोसेस्ड फूड्स और ये सारी चीज़ें जो आपको सेहत को ख़राब करती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए अल्लाह ने तो तुम पर सिर्फ मुर्दार खून खंजीर का गोश्त और वो चीज़ हराम की है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम पुकारा जाए फिर जो शख्स मजबूर हो जाए जबकि वो सरकशी करने वाला और हद से गुजरने वाला ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है बेशक जो लोग अल्लाह की नाजिल की गई किताब में से कुछ बातें छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ा सा मोल ले लेते हैं यानी पैसे दे दो और मेरी अपनी पसंद का फतवा ले लो दुकानदारी दीन को दुकानदारी बना देना जहां दीन फायदा दे रहा हो वहां उसको ले लेना जहां दीन की वजह से नुकसान अपने आप को जजवी पहुंच रहा हो वहां उसको छोड़ देना पैसे लेके दीन बदल लेना तो वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं भरते और क्यामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा और ना उन्हें पाक ही करेगा और उनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है वही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और बख्शिश के बदले अजाब खरीदा चुनाचे वो आग पर किस कदर सब्र करने वाले हैं यानी दुनिया में पता है कि हमने अगर ये काम किया तो हमें आगे आग मिलनी है फिर भी हम वो काम करते हैं तो कितना हमारा सब्र है आग के ऊपर हमें कोई परवाह ही नहीं है उस आग की ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाजिल फरमाई और बेशक जिन लोगों ने किताब में अख्तलाफ किया वो मुखालिफत में बहुत दूर तक चले गए आगे आयत बिर है और इसका भी जो कॉन्टेक्सट है वही पीछे जो तहवील किबला है किबला की तब्दीली कि वो जो एक बहस थी कि क्यों किबला चेंज किया क्यों इधर से उधर रुख कर लिया तो अल्लाह तहाँ पे आके उस बात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया और फरमाया वल नेकी ये तो है ही नहीं कि तुम अपना चेहरा मशरक़ या मग़रब की तरफ फेर दो बल्कि नेकी तो उस शख्स की है जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर फरिश्तों पर आसमानी किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए यानी आपकी सारी ईमानियात दुरुस्त होनी चाहिए ईमान बिल्कुल इन प्लेस होना चाहिए और माल से मोहब्बत के बावजूद उससे रिश्तेदारों यतीमों मिसकीनों, मुसाफिरों सवाल करने वालों और गर्दने छुड़ाने वालों के लिए खर्च करे फिर नेक्स्ट आपका माल के मामले में क्या रवैया होना चाहिए क्या बखील नहीं है एक तो हलाल कमाना है दूसरी ये कि उस पर अपने आप पर भी खर्च करना है और अल्लाह के बंदों को भी देना है और नमाज कायम करे और जक़ात दे फिर अपने रिचुअल्स पूरे करे अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक दुरुस्त करे अच्छा अब यहाँ पर पहले माल खर्च करने की बात है और फिर जकात की अलग से बात है तो यहाँ पे एक बड़ा बारीक और लतीफ एक नुकता हमें समझाया जा रहा है कि हमारे मालों में जकात के अलावा भी हक है हर चीज को जकात में एडजस्ट नहीं करना होता इसलिए के फिर हम ऐसी जगहों पर भी जकआत एडजस्ट करने के आदी हो जाते हैं कि जहां पर जकवात नहीं देनी चाहिए अपने इर्द गिर्द फकर मसाकिन को देखें और उनको हेल्प आउट करें जकवात से भी करें और दीगर सदक़ात से भी करें हर चीज़ में हर खाने में जकआात को फिट ना करें और नेकी उनकी भी है जो अहद कर लें तो अपना पूरा करें फिर एक शख्सियत होनी चाहिए ठोस ट्रस्ट वर्दी आपने वादा किया है तो लोगों को पता हो कि अगर इसने वादा किया है तो ये पूरा करेंगे ये ना हो कि उसकी तो बात का कोई एतबार ही नहीं है वो तो बात में से रिगल आउट करने के लिए तो बस एक बात उसने कह दी थी और उसने कोई नहीं माननी लोग होते हैं, एक एक थी जो अपने किसी अपनी औलाद के बारे में कहा करती थी कि हर दफा वो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मैं कल आऊंगा और फिर वो नहीं आता और वो फिर इंतजार 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 और कई वो हफ्तों ना आए तो हफ्तों ही ना आए लेकिन वादा करते ना तो ये आप सोचें कि ये चीज़ दूसरे को तकलीफ कितनी देती है और तंगदस्ती और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त सब्र करें पैनिक नहीं होना किसी भी सख्त से सख्त सिचुएशन को फेस करना है वही लोग सच्चे और वही परहेजगार हैं और इस सारी चीज के लिए आपको किसी एनर्जी की तो जरूरत है ना और वो एनर्जी आपको आएगी कुरान की तिलावत से आप हिरज जान बना लें रोजाना कुरान की तिलावत को आप कभी खसारे में नहीं रहेंगे आपको खुद गाइडेंस मिलती रहेगी और आपके दिल के अंदर एक ताकत आ जाएगी जो आपको मुश्किलों में भी पैनिक होने से बचा लेगी और ये जो आयत है ये एक मुकम्मल अच्छे इंसान की पिक्चर है जो कि मुसलमान भी है मोमिन भी है और अच्छा इंसान होने के लिए अकायद दुरुस्त होना भी जरूरी है ये जो एक नारा है ना कि बस अच्छा इंसान होना जरूरी है रिलीजन की किसको जरूरत है रिलीजन तो सारे ही अच्छे हैं ऐसी बात नहीं है अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही नहीं भेजा वो जो इतनी तकलीफें बर्दाश्त की और वो जो ये जो कुरान पाक है ये बस ऐसे ही आ गया कि इसके साथ बाकी सारी तहरीफ शुदा किताबें भी रख दो और सबको एक जितना कर दो एक जैसा कर दो क्या ये अकल पर भी पूरी उतरती है बात ए लोगों जो ईमान लाए हो कत्ल हो जाने वालों के मामले में तुम्हारे लिए बराबर का बदला लेना फर्ज कर दिया गया है आज़ाद आज़ाद के बदले गुलाम गुलाम के बदले और औरत औरत के बदले फिर जिस कातिल को उसका भाई मकतूल का बली कुछ के सास माफ कर दे तो मारूफ तरीके से इतबा यानी दियत का मुतालबा हो और अच्छे तरीके से दियत की अदायगी हो यह तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ और रहमत है फिर उसके बाद जिस शख्स ने ज्यादी की उसके लिए दर्दनाक अजाब है और एकिल वालों तुम्हारे लिए बराबर का बदला लेने ही में जिंदगी है ताकि तुम कत्लो गत से बचो बाजू का और दियत दो अलग चीजें हैं किसास है खून के बदले खून हम बाजूका दियत को भी किसास कह देते हैं लिया है लिए उन्होंने दियत होती है दियत है खून बहा यानी आप कोई माली कुछ लेकर तो आप उसको वो कत्ल माफ कर देते हैं मकतूल को माफ कर देते हैं तो तीन सिचुएशन है या ये कि कत्ल के बदले कत्ल या ये कि माफ कर दिया लेकिन दियत ले ली और या ये कि वैसे ही माफ कर दिया तीनों इस आ, इस्लाम के दायरे के अंदर है और तीनों जो हक है ये मकतूल के बुरा का है अभी रिसेंटली सऊदी अरब में एक वाकया हुआ था जो बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी और एक बच्चे ने दूसरे को मार दिया और उसके बाद जो जिस बच्चे ने कत्ल कर दिया था कुछ सत्रह अठारह साल का लड़का था और इतना ही उसका कजन था जिसको उसने मारा तो उसके घर वालों ने मिन्नतें, तरले हर तरह की दीयत उन्होंने अपने घर के सारे जेवरात अपनी दौलत उन लोगों के घर के सामने ला के रख दी मकतूल के वाले के घर के बाहर वो नहीं माने अदालत कहती थी जो ये कहेंगे वही होगा फिर जो उनके यहाँ तरीका है कि काजी ने सिफारिश की कि इसको माफ कर दें वाले ने कहा कोई सूरत नहीं किंग तक बात कही किंग ने कहा माफ कर दें उन्होंने कहा सवाल ही नहीं जब उन्होंने माफ़ नहीं किया तो वो जो बच्चा था दूसरा उसको के सांस में कत्ल किया गया ये अभी बिल्कुल कुछ महीने पहले की बात है और यूट्यूब और टीवी और हर तरफ ये खबर फैली हुई थी तो एक तो बात ये है कि ये इस्लाम में मकदूल के वसा का हक है कि वन तीनों में से क्या चीज लें उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा और दूसरी चीज ये है कि बात ये जो सास है ये बेहतर होता है दियत या माफ़ करने से वजह ये एक डिटरेंट के तौर पे एक्ट करता है बास का ऐसे होते हैं कि अगर उनको माफ कर दिया जाए तो वो फिर दोबारा वही कुछ करते हैं तुम पर फर्ज कर दिया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आने लगे अगर वो माल छोड़े जा रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे ये मुत्तियों पर लाजिम है ये जो आयत है वसीयत के लाजिम होने की ये फिर मनसूख हो गया था इसका हुक्म विरासत के आयात में आने के बाद फिर जो शख्स इस वसीयत को सुन लेने के बाद बदल दे तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो उससे बदलेंगे वसीयत अब वाजिब नहीं है लेकिन अगर कोई करना चाहे तो वन थर्ड के अंदर अंदर अपने माल में से कर सकता है और गैर वारिस को करेगा वारिस को नहीं करेगा और जब एक दुरुस्त वसीयत कोई करके दुनिया में से चला गया तो फिर उसको पूरा करना लाजिम होता है फिर बिला वजह उसको चेंज नहीं करना फिर जो शख्स इस वसीयत को सुन लेने के बाद बदल देगा तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो उसे बदलेंगे बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है फिर अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से हक तलफी या किसी गुनाह का डर हुआ और वो उनमें सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं यानी कोई ऐसी वसीयत है कि जो हक पर मबनी है। वारिस को बुरसा में से किसी एक को ज्यादा कोई चीज दे दी है या ये के जैसे मगरब में होता है किसी कुत्ते को दे दिया किसी पेट को दे दिया अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि बहुत ही बड़ी कोई ब्रांड है और उसके मालिक है मेरिट भी नहीं था और बिल्कुल अब करीबुल मर्ग है वो बंदा उसके जूते वूते सब आप लोगों ने पहने हुए होते हैं तो उसने अपनी सारी जायदाद और कोई बिलियंस एंड बिलियंस है हम तो उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते जितना इनका होता है वर्थ वो सब अपने एक गार्डनर को दे दिया सारा कुछ अपने माली को दे दिया बहरहाल तो उनमें सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं यानी अगर वसीयत गलत है तो उसको चेंज करा दे बेशक अल्लाह बहुत بخشने वाला बड़ा रहम करने वाला है ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम पर सोंग यानी रोजा रखना इसी तरह फर्ज किया गया है जिस तरह उन लोगों पर फर्ज किया गया था जो तुमसे पहले थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ लगत में रुकने को कहते हैं और शरीयत में सुबह सदक से गुरुब आफ्ताब तक खाने पीने और मियाँ बीवी के ताल्लुक कायम करने से रुके रहने का नाम है और स्पिरिट क्या है तकवा पैदा हो जाए अल्लाह का वो डर जिससे इंसान अल्लाह की नाफरमानी के कामों से रुक जाए रोजे गिनती के चंद दिन हैं यूं आते हैं यूं निकल जाते हैं फिर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर ले कजा देनी होती है और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हो फिर ना रखें तो उसका फिदिया एक मिसकीन को खाना खिलाना है ये पहले आई थी आयत फिर उसके बाद ये हुक्म मनसूख हुआ और रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए पहले ऑप्शन थी चाहो तो रखो चाहो तो ना रखो ना रखो और फदिया दे दो लेकिन अब वाजिब है फर्ज है रखने हैं जो छूट जाए वो बाद में पूरे करने हैं और जो कोई ऐसा मरीज है कि वो बाद में भी नहीं रख सकता तो वो फितिया देगा फिर ठीक है और फितिया है एक को खाना खिलाना फिर अगर कोई अपनी खुशी से ज्यादा नेकी करे तो ये उसके लिए बेहतर है यानी एक के बजाय दस को खिला दें पांच को खिला दें दो को खिला दें तो ये उसके अपने लिए बेहतर है सवाब ज्यादा मिलेगा और तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो ये जो मरीज वाला हुक्म है ना इसी में खातीन जो हामिला हैं प्रेगनेंट हैं या बच्चों को दूध पिला रही हैं तो वो भी इसी हुक्म में आ जाती हैं अगर वो मुश्किल महसूस करें तो वो इस रुख से फायदा उठा सकती हैं लेकिन वो रोजे बाद में रखने होंगे रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए हिदायत है और इसमें हिदायत की वाजे और हक को बातिल से जुदा करने वाली दलीलें हैं फिर तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए तो उसे चाहिए कि इसके रोजे रखे और जो शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और वो तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता मसलन तो आप देखें कि अगर रोजे हो गर्मियों के इक्कीस इक्कीस घंटे का भी रोजा बाद जगहों पर बन जाता है सत्रह अठारह हमने खुद रखे हैं इतने इतने तो अगर उस दिन का उन महीनों के रोजे आपके छुट गए तो अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे आपको कि अब आप इन्हीं गर्मियों के रोजे ही गर्मियों में ही दोबारा रखें वो अब सर्दियों में छोटे छोटे दिनों में रख सकते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से आसानी है सफर है मर्ज है बिल्कुल गिल्ट फ्री हो के वो छोड़ दो रोजा और बाद में रख लेना आसानी से और ये भी नहीं है कि लगातार रखो आप तोड़ तोड़ के रख सकते हैं यानी एक रखा फिर कुछ दिन बाद एक और रख लिया और ताकि तुम गिनती पूरी करो और उस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शिक्र करो और ए नबी जब मेरे बंदे आपसे और ए नबी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ अल्लाह एक नाम है अल्लाह करीब है किस तरह से करीब है तो सातवें आसमान से ऊपर अर्श पे लेकिन करीब हैं अपने इल्म के ज़रिए और एक और जगह पे आता है वह नाहन अक्रही में हम तो उसकी रगे गर्दन से भी ज्यादा करीब हैं फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं करीब हूँ और मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब भी वो मुझसे दुआ करे बस चाहिए कि वो भी मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए दुआ की कबूलियत के क्या शराइत यहाँ बताए गए हैं कि जितना इंसान अल्लाह ताला का एत गुजार होगा उतना ही ज्यादा उसकी दुआएं कबूल होंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ के अलावा कोई चीज तकदीर को बदल नहीं सकती और नेकी ही है जो उम्र में इजाफा कर सकती है फिर इसी तरह से आप सल्ला वम ने फरमाया बंदे की कोई दुआ इस दुआ से अफसर नहीं के अल्लाफा वआफियत फिर दुनिया वल आखिरा ए अल्लाह में तुझसे दुनिया में खैरियत और आफियत का सवाल करता हूँ और आखिरत में भी खैरियत और आफियत का सवाल करता हूँ सबसे ज्यादा जो मांगने वाली चीज़ है ना वो आफियत होती है और आफियत के दिनों में भी आफियत की कदर करनी चाहिए ताकि वो आफियत चले भी नहीं आफियत के दिनों में अल्लाह ताला से दुआ करें के वो आफियत जो तूने मुझे अभी दे रखी है वो निमते जो तूने अभी मुझे दे रखी है मैं तेरी पनाह में आती हूँ इस बात से कि वो कभी भी टले तो ये अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए फिर इसी तरह से अल्लाह अल्लाह ला ही बिही आ ये दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद फातिमा को सिखाई थी कि अगर कभी गम और परेशानी में मुबला हो जाए तो अल्लाह अल्लाहअ रबी लाश्र पड़े साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं कोपिंग कि आप अगर किसी सदमे का शिकार हो जाए तो फिर आप क्या करें आपको कैसे कोप करना है तो वो कई किस्म के उनके जहनों में जो भी आते हैं वो आपको टेक्निक्स कुछ बताते हैं कुछ नहीं बता पाते कुछ दरे कामयाब होती हैं कुछ नाकाम होती हैं टेक्निक्स वो हैं थेरेप्यूटिक जो हमें अल्लाह के रसूल वसल्लम ने बताई हैं सदमे पर इन्ना वाला पढ़ना कर्ब की और रनजो गम की दुआएं पढ़ना उनसे जितना इंसान की जो बॉडी केमिस्ट्री है वो रेगुलेट होती है बाकायदा फिजियोलॉजी आपकी चेंज हो जाती आप बायदा महसूस करते हैं कि आपके इमोशंस जो बहुत परेशानी के आलम में आपको परेशान कर रहे थे वो नीचे आ गए वो झाक की तरह बैठ गए हमें सिर्फ दुआ करनी आनी चाहिए अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारें फिर इसी तरह से अम्बिया का एक और तरीका है दुआ में और वो ये है कि अपनी आजी और अपना फकर और अपनी सिचुएशन बताकर दुआ करना जक्रियालाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरी हड्डियां तक चटक गई हैं मेरा सर बुढ़ापे से भड़क उठा यानी सफेद है सर मेरा जिसम कमजोर है लेकिन मुझे औलाद चाहिए वो बीवी भी और नई नहीं, नहीं मांग रहे और और वो खुद तकरीबन सौ साल की और बीवी नबे साल की है ये बाइबल के मुताबिक उनकी उम्रें ये थी उस वक्त अल्लाह ने दे दिया दुआ की कबूलियत का ताल्लुक अस्बाब और वसाइल से कोई नहीं है तो इस तरह से अल्लाह से मांगे पूरे यकीन के साथ दिल की हजूरी के साथ तो अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं बेपरवाह और गाफिल दिल की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ना और आखिरी में जल्दी जल्दी कुछ पढ़ के और नमाज फेरते हैं सलाम फेरते हैं हम वो गाफिल दिल की दुआ जो है वो अल्लाह ताला नहीं सुनते पूरे दिल की हजूरी के साथ कभी कुछ मांगे कभी कुछ मांगे तो अल्लाह तरह देते हैं और अल्लाह तला का एक नाम है अलहयू एक तो हैयू है ना हैयू यानी जिंदा एक है अलहयू हया वाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हया वाले हैं अल्लाह ताला को इस बात से हया आती है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए और वो उन्हें खाली लौटा दे वो देता है आप सजदों में भी कुरानी दुआएं कर सकते हैं वैसे तिलावत नहीं कर सकते वैसे जो जनरल तिलावत है ना कुरान की वो आप अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई है रबी इल्मा, ना आती ना फिर आखिरतीसना पढ़ सकते हैं और फिर जो आखिरी आपका तशाह जितनी दुआएं आपको आती हैं आप सब पढ़ सकते हैं और दुआ जो है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए ये सोचकर कि मैंने बड़ी दुआएं मांगी और मेरी कबूल नहीं होती अल्लाह त वक्त होता है दुआ की कबूलियत का और बाज अल्लाह तक तरीका भी होता है दुआ की कबूलियत का बात अल्लाह बंदे को एन एग्जैक्ट वही चीज दे देते हैं जो उसको चाहिए होती है इधर मांगी उधर मिल गई अच्छा हम इतने ना शुक्र है कि हम साथ ही कह देते हैं अच्छा कुछ और ही मांग लिया होता क्यों भाई वही चाहिए थी वही मांगी वो मिल गई अल्लाह का शुक्र अदा करें हमारे फ्रेजेस बाज़ात ऐसे हैं कि जो हमें नहीं कहने चाहिए बेअदबी है उसमें और दूसरे जो है वो ये है कि अल्लाह ताला उसको पेंडिंग कर दें बाद में कबूल फरमाए तीसरे ये है कि अल्लाह ताला उसके अलावा की कोई और चीज आपको दे दें अल्लाह ताला आप अल्लाह ताला से बस्तर कोई एक चीज मांग रहे हैं और अल्लाह ताला को पता है इसको इसकी जरूरत नहीं है इतनी जितनी इसको सेहत और की जरूरत है तो चलो इसको सेहत दे देता हूँ इसको बीमारी आने वाली है वो टाल देता हूँ इससे इसकी इस दुआ के बदले तो दुआ जाया नहीं होती और या फिर दुआएं जो है वो आखिरत के लिए जखीरा हो जाती है उनका अजर मिलेगा बाकायदा तो इसलिए दुआ जब तक आप कर रहे होते हैं ना आप याद रखिए आप हालत इबादत में होते हैं जितनी देर आप दुआ कर रहे हैं आप हालत इबादत में आप उठते बैठते चलते फिरते दुआ करें आप हालत इबादत में होंगे अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं नमाज के अलावा का जो जितना भी आपका दुआ दुआ का वक्त है और एक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शय अल्लाह के यहाँ दुआ से ज्यादा बाइज्जत नहीं है जरा इस चीज को समझने की कोशिश करें अल्लाह ताला इज्जत करते हैं आपकी दुआ की अल्लाह ताला तकरीम करते हैं कि मेरे बंदे की तरफ से ये अर्जी आई है अल्लाह ताला उसको इज्जत देते हैं दुनिया का कौन है जो आपकी दरखास्त को इज्जत देगा चलो कोई एक आधी दफा आपकी खुशामद में या कोई कर देगा या किसी को आपने बड़ा कोई फेवर किया जाए तो वो आपके लिए कुछ कर देगा खुशी खुशी रोज़ तो नहीं करेगा ये अल्लाह ही है कि जो मांगने वाले से बेजार नहीं होता बल्कि ना मांगने वाले से नाराज होता है फिर फरमाया तुम्हारे लिए रोज़े की रात को अपनी औरतों के साथ सोबत करना हलाल कर दिया गया है वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो ये फिर एक मेटाफर है कि रोज़े की रातों में तो चलो मैरिटल रिलेशनशिप की बात हो गई लेकिन ये एक पूरी एग्जाम्पल है हमारी जिंदगी के लिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं वो एक दूसरे को उसी तरह खूबसूरत बनाते हैं जैसे लिबास खूबसूरत बनाता है वो एक दूसरे को इसी तरह प्रोटेक्ट करते हैं सर्दी गर्मी से जिस तरह लिबास प्रोटेक्ट करता है वो एक दूसरे के लिए इसी तरह फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे लिबास आपके लिए कटता है आपके जिसम के मुताबिक हो जाता है अच्छा यहाँ पर ना रोजे की आयात चल रही है और दरमियान में दुआ की आयात आई है तो इसीलिए रमजान को शाहरुख दुआ भी कहा गया है दुआओं का महीना और इसमें खूब खूब दुआएं करते रहना चाहिए शैरी के वक्त भी आप जागे हुए होते हैं इफ्तार से पहले दुआओं की कबूलियत के सारे के सारे आपके चांसेस पूरे हुए हुए होते हैं अल्लाह ने जान लिया कि बेशक तुम अपने आप से खयानत करते थे चुनाचे उसने तुम पर तवज्जो फरमाई और तुम्हें माफ कर दिया इसलिए अब तुम उनसे हम बिस्तरी कर सकते हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो लिख रखा है वो तलाश करो और खाओ और पियो हती के तुम्हारे लिए सुबह की सफेद धारी काली धारी से वाजे रोशन हो जाए फिर तुम रोजे को रात तक पूरा करो और जब तुम मस्जिदों में अतकाफ़ में बैठो तो अपनी औरतों से हम बिस्तरी ना करो यहाँ से ही पता चलता है कि अहतकाफ़ मसाज में होता है ये अल्लाह की हदें हैं लिहाजा तुम उनके करीब मत जाओ अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतें इसी तरह बयान फरमाता है ताकि वो मुत्तकी बने और तुम अपने माल आपस में नाजायज तरीके से ना खाओ एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से खाना मसलन किसी का किसी विरासत हड़प कर जाना जायजा किसी और का है अल्लाह ने उसको दे रखा है और उसका खुद मार के बैठ जाना फिर इसी तरह से आपस में कोई बिजनेस किया बिजनेस पार्टनर जो है वो पैसा लेके भाग गया खा गया कोई भी नाजायज तरीका जो माल का है खाने का आपस में वो मना किया गया है और उन्हें हाकिमों के पास ना ले जाओ ताकि तुम लोगों के मालों में से कुछ माल गुनाह के साथ खाओ यानी रिश्वत का लेन देन हालांकि तुम जानते हो और रिश्वत के बारे में तो आप सल्हम ने फरमाया और राशि बल मुर्तशी फिन्नार अच्छा हम कहते हैं ना कि फिलहाल बड़ा राशि अफसर है या राशि है तो राशि कौन होता है हमारी जबान में रिश्वत लेने वाला हालांकि राशि वो है जो रिश्वत देता है मुर्तशी वो है जो रिश्वत लेता है ठीक है और किलामा फिनार दोनों जो है ना वो आग में जाएंगे ए नबी सल्लाम आपसे चांद के अहवाल के मुतालिक सवाल करते हैं कह दीजिए वो लोगों के लिए और हज के लिए औकात मकर हैं और नेकी ये नहीं कि तुम अपने घरों में उनके पिछवाड़ों की तरफ से आओ बल्कि नेकी ये है कि आदमी परहेजगारी इख्तियार करे और तुम अपने घरों में उनके दरवाजों से आओ और तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम फला पाओ ये इनकी एक रस्म थी कि एक दफा बांध के बाहर निकल गए घर आना पड़ा दोबारा पिछवाड़े से आएंगे मेन गेट से नहीं आएंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तमाशों की क्या जरूरत है दीन तो एक संजीदा मामला है असल जो चीज़ है वो तो ये है कि तुम अल्लाह से डरो वो तुम डरते नहीं हो ये कुफार मक्का का एक तरीका था जिसको के करेक्ट किया जा रहा है और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से जिहाद करो उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं और तुम ज्यादती ना करो बेशक अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता और तुम उन्हें जहां भी पाओ उनको कत्ल कर दो और तुम उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला और फितना कत्ल से ज्यादा सख्त गुना है और तुम उनसे मस्जिद हराम के पास ना लड़ो यहां तक कि वो उसमें तुमसे लड़ें फिर अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम उन्हें कत्ल करो ऐसे काफिरों की यही सजा है फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है और उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए फिर अगर वो बाज आ जाए तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं है किताल फी सभी जो है वो अः हकूमत वक्त अनाउंस करती है तो वो किताल फी सभी होता है ये स्टेट विद इन स्टेट बनाकर छोटे छोटे कोई गिरोह बन जाए और वो कहें कि हम किताल कर रहे हैं तो वो दुरुस्त नहीं है उसका इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन जब हकूमत वक्त उस चीज उसको अनाउंस कर दे और वो हो भी फी सभी तो ऐसे में फिर जो लड़ना है वो बहुत बड़े मरतबों पर फाइज करने का बायस बनता है इंसान को अमार बिन यासिर रानों के बारे में आता है कि जंगे यमामा में एक चट्टान पर खड़े होकर ललकार रहे थे कि ए लश्कर इस्लाम क्या तुम जन्नत से भाग रहे हो यमामा वो जंग है जो मुसलम कजाब के अगेंस्ट हुई थी जिसने था, मैं भी आप की वफात के के थोड़ी देर के लिए कदम उखड़े थे वो इतनी सख्त लड़ाई हुई थी तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं देख रहा था कि अम्मार का कान कट कर जमीन पर गिरा हुआ है और फड़क रहा है और खुद वो लड़ाई लड़ते जा रहे हैं उनको कोई परवाह ही नहीं कि मेरे जिस्म का एक मेजर हिस्सा जो है वो कट के गिर चुका हुआ है हराम वल किसास तुम पर माह हराम की पाबंदी उनकी तरफ से माह हराम की पाबंदी के बदले में है और हुरमतें बदले की चीजें हैं बस जो कोई तुम पर ज्यादती करे तो तुम उसके बराबर उस पर ज्यादती करो जो ज्यादती उसने तुम पर की और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है हराम महीने चार हैं तीन इन रो हैं, किसी को पता है जुल्का जुल्हिजा और मुहर्रम और एक अलग से है रजब और ये अल्लाह ताला के हराम करदा महीने हैं और इनमें कत्लो गारत मना है लेकिन अगर दुश्मन इन्हीं महीनों में आके कत्लो गारत शुरू कर दे तो आप अब हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेंगे ना तो फिर आप इस महीने में भी किताल कर सकते हैं और तुम अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथ हलाकत के काम में ना डालो और तुम नेकी करो यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है यानी इंसान अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना तो अपनी हलाकत को इनवाइट करता है हलाकू खान के बारे में आता है ना कि उसने खलीफा जो अब्बासी जिसको उसने एंड में आके उसने नजर बंद किया और उसको खाना नहीं दे रहा था तो उसने खाना मांगा तो कहते हैं कि हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है कि उसने एक तश्त में वो जो खलीफा के जमा करदा हीरे जवाहरात थे वो निकाल के जोड़े और उसको भेज दिए कि ये लोग खाओ तो खलीफा वक्त जो है वो कहता है कि मैं ये कैसे खा सकता हूँ तो हलाकू खान ने कहा कि इसी से फौज तैयार कर लेनी थी ना फिर इसी से फिर वो चीजें तैयार कर लेनी थी कि जिनसे तुम आज इस हालत को ना पहुंचते तो इंसान जब अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता तो ये उसकी हलाकत है चाहे वो किसी मुल्क का अपना डिफेंस हो या आप ये कह लें कि इंसान पर्सनल लेवल पर भी जब अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता तो अपने रिस्क को बेबरकत कर लेता है हर रोज आसमान से दो फरिश्ते उतरते हैं हर सुबह ये होता ही होता है एक प्रोसेस है और एक कहता है या हर सखी को और दे दूसरा कहता है या हर वकील का माल हलाक कर दे तो बखील जो है वो एक फरिश्ते की बद दुआ का और सखी जो है एक फरिश्ते की दुआ का अहल होता है रोजाना और तुम नेकी करो यकीन अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है और तुम हज और उम्र अल्लाह के लिए पूरा करो फिर अगर तुम्हें रास्ते में रोक दिया जाए जा तो कुर्बानी के लिए जो मैसर हो वो कुर्बान कर दो और अपने सर ना मंडवाओ हती कुर्बानी अपने हलाल होने की जगह पहुंच जाए फिर अगर कोई शख्स बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो और वो सर मुंडवा ले तो फिदी में रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे फिर जब तुम्हें अमन मिल जाए तो तुम और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ तो तुम में से जिसने हज के अहराम तक उम्र का फायदा उठाया वो अहराम खोल कर जो मुयसर हो कुर्बानी करे फिर जो शख्स कुर्बानी ना पाए तो वो तीन रोजे हज के दिनों में रखे और सात उस वक्त जब तुम घर लौट आओ और ये पूरे दस रोजे हैं ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के पास ना रहते हों और तुम अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है हज के महीने मालूम और मुकर्रर हैं चुनाचे जिस शख्स ने इन महीनों में हज को लाजिम कर लिया तो हज के दौरान में वो जिनसी बातें ना करे अल्लाह की नाफरमानी ना करे और किसी से झगड़ा ना करे और जो नेक काम तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है और हज के लिए ज़ादे राह ले लो बेशक बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है और ए अकलमंदो तुम मुझसे डरो यानी हज के लिए जादे लेके जाना चाहिए जो वहां पर जरूरत की चीजें हैं लेकिन साथ ही ये तवज्जो भी होनी चाहिए कि तकवा भी साथ है या नहीं है या बस यही है आजकल हमारा बहुत ज्यादा हो गया किस ग्रुप के साथ आप गए वो कितना चार्ज करते हैं उनकी क्या फैसिलिटीज थी फिर उनमें खाने में क्या था वो कितना खाना देते थे वो कितना वक्त खाना देते थे क्या क्या मिलता था कितनी डिजर्ट थी खाना रिपीट तो नहीं होता था दोपहर वाला रात को तो नहीं देते थे ये सवाल होते हैं जो हाजी हज करके आए आप जरा गौर कीजिएगा कि क्या सवाल होते हैं हमारे हमारा ये सवाल होता है कि कोई ऐसी बात कोई ऐसी तब्दीली कोई ऐसी ईमान बात जो तुमने वहां महसूस की हो तो उसको हमारे साथ शेयर करो इन नजाद تقوى वो तो वो अगर है ही नहीं तो फिर ये रिचुअल जो है ही हम करके आ गए तो अल्लाह करे कि ये कबूल हो जाए तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम हज के दौरान अपने रब का फजल तलाश करो फिर जब तुम अरफात से लौटो तो मशर हराम के पास अल्लाह को याद करो मुस्तलफा यानी और तुम उसे इस तरह याद करो जिस तरह तुम्हें हिदायत दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजलफ़ा की रात सो कर गुजारी थी इसलिए कि अगला दिन बहुत हेक्टिक होता है ना अः दस मुहरम जो है तो उस दिन फिर रात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सो कर गुजारी थी बहरहल अगर कोई जागता है सो नहीं पाता या नहीं सोता और कोई असकार करता है तो वो भी ठीक है और तो अशर हराम के पास अल्लाह को याद करो और तुम उसे इस तरह याद करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायती और यकीन उससे पहले तुम गुमराहों में थे फिर जहां से तो सब लोग लौटे वहीं से तुम भी लौटो ये कुफार जो है अरफात जाते नहीं थे और ये कहते थे कि ये हमारी ईशान के खिलाफ है जहाँ सारी अवामनास गई हुई है वहीं हम भी चले जाए हम तो खास लोग हैं ना हम तो अलीहदा हैं हमारी तो प्रोटोकॉल फर्क है हम फर्क लोग हैं हमारे लिए कोई और ही जगह होनी चाहिए तो अब इन्होंने अपने लिए क्या बना रखा था कि हम अरफात नहीं जाएंगे तो अल्लाह ताला ने इनका क्या इलाज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से कहलवाया हज अलज वरफा हज है ही अरफात जो अरफात के दिन पहुंचेगा नहीं वहां पे उसका तो हज हो गई नहीं बाकी हर रुकन का या दम है या कोई आप बाद में कर सकते हैं कुछ हो जाता है लेकिन अरफात के दिन में मौजूद नहीं है तो वह हज नहीं हुआ आपको दोबारा आना पड़ेगा तो कॉमनर्स के साथ कॉमन हो जाना ये है हज का एसेंस और यही वहां से सीख के आना चाहिए अलैहि वसल्लम मसाकिन में उठते बैठते थे आप वसल्लम वसमा के दरम्यान सुहेब बिलरत इस तरह के साहबा के दरमियान ऐसे बैठे होते थे कि बाहर से आने वाला पहचान ही नहीं सकता था कि अल्लाह के रसूल कौन से हैं तो फिर जहाँ से सब लोग लौटे वहीं से तुम भी लौटो और अल्लाह से बख्शिश मांगो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है फिर जब तुम अपने हज के अरकान पूरे कर चुको तो अल्लाह को इस तरह याद करो जिस तरह तुम अपने बाप दादा को याद किया करते थे बल्कि उससे भी बढ़कर ये बाजारों में बैठ कर तो अपने बाप दादा के कारनामे बयान किया करते थे मौसम हज में तो अल्लाह ताला ने फरमाया उससे भी बढ़कर अब तुम अल्लाह को याद किया करो चुनाचे कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं अब ये दो तरह के लोग हैं कि जो हज पे जाते हैं और दुआएं करते हैं दुआएं हर कोई करता है लेकिन दुआएं क्या करता है वो बताएगा कि आप किस किस्म के इंसान हैं एक वो है जो कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में ही सब कुछ दे दे बस दुनिया मांगता है ना हसना की शर्त है साथ और ना आखिरत है बस दुनिया जैसे मिले हराम मिले कब्जा में मिले हलाल मिले जैसे मिले बस मुझे दुनिया चाहिए ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं इसलिए कि उसने आखिरत मांगी ही नहीं अल्लाह से और उनमें से कुछ है जो कहते हैं रब बना आतिना फिर दुनिया हसना, वो फिर हसना के ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के हिसाब से बचा ये है हज पर मांगने की दुआ दोनों चीजें मांगे हमारी नजर कोता क्यों हो जाती है अल्लाह के पास दोनों हैं हम सिर्फ एक मांग के क्यों आ जाते हैं दोनों मांगे और हसना मांगे हसना मसलन रिस्क भी हसना है अगर वो हलाल हो औलाद हसना है अगर वो आप फर्माबरदार हो अल्लाह ताला की मुत्तकी हो परहेजगार हो अच्छा वसी घर हसना है हक हलाल की कमाई का अच्छी सवारी हसना है ये सब हसनात हैं लेकिन अगर ये हलाल जराए से अक्वायर की गई हो तो और एक मोमिन बंदा अल्लाह से हसनात ही मांगता है नेकी की तौफीक भी हसना है सो ब्रॉडर सेंस में अल्लाह से हसना मांगे इन्हीं लोगों के लिए उनकी कमाई का हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है और गिनती के चंद दिनों में तुम अल्लाह को याद करो फिर जिसने दो दिनों में मिना से मक्का की तरफ वापसी में जल्दी की तो उस पर कोई गुनाह नहीं और जिसने एक दिन की तखिर की तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं बशर्ते कि वो तकवा इख्तियार करे और तुम अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक तुम्हें उसी के हुजूर खड़ा किया जाएगा उसी के हुजूर इकट्ठा किया जाएगा और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में कोई ऐसा है कि आपको उसकी बात दुनिया की जिंदगी में बहुत भली लगती है और जो कुछ उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह ठहराता है हालांकि वो सख्त झगड़ालू है ऊपर से सॉफ्ट स्पोकन अंदर से बहुत सख्त गिर सख्त दिल और अगर जरा सी बात उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो सख्त झगड़ा करने वाला और जो कुछ उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह ठहराता है हालांकि वो सख्त झगड़ालू है और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद वो शख्स है जो सख्त झगड़ा लू हो झगड़े को तूल नहीं देना चाहिए चाहे आपको कुछ थोड़ा सा अपनी बात जो है ना उसको बैक ट्रैक करना पड़े चाहे आपको ही पीछे हटना पड़े झगड़े को तूल मत दें इसमें बड़ी खराबी और अगली नेस है इसके अंदर हमारे यहाँ हम देखती हूँ कई दफा अगर गाड़ियां लग गई है ना तो जिसकी नहीं है कसूर वो तो कोई बात करे तो करे जिसका कसूर होता है वो भी ऊपर से आके आपको छा जाता है आपके ऊपर हमारा इतना झगड़े का जो है ना मिजाज वो बन चुका है हर वक्त कभी रोड पे झगड़े हो रहे होते हैं कभी अब रमजान सबर का महीना है और झगड़ा ना करने का महीना है और एक आम परसेप्शन ये होती है कि स्कूलों के बाहर भी बहुत झगड़े हो रहे होते हैं बाप झगड़ रहे हैं चौकीदार से झगड़ रहे हैं बच्चों की आपस में हो रही है टीचर्स की हो रही है क्यों हो रही है ये ये इसलिए क्योंकि अंदर से हम झगड़ालू हैं अभी हमने सॉफ्ट का का सिर्फ ऊपर ऊपर लिबादा उड़ा हुआ है और जब वो पलटता है तो कोशिश करता है कि जमीन में फैलाए खेतों और नस्ल को तबाह करे और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता यानी ये जो इंसान है ना ये झगड़ालू इंसान है अगर इसको मिल जाए कोई इकतदार तो फिर तो ये दुनिया में इस तरह का एजेंडा फैलाता है और इस तरह की चीजें फैलाता है कि जो नस्लों की तबाह कारी भी करती हैं सेहत भी तबाह दिमाग भी तबाह सोच भी तबाह अकीदा भी तबाह और फसलें भी तबाह आप देखें कितनी जेनेटिकली प्रोसेस्ड अब आपकी सब्जियां भी हो गई हैं उगती वो जमीन के अंदर से लेकिन उसमें भी आपने टैंपरिंग कर ली हुई है और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता और जब उससे कहा जाता है तो अल्लाह से डर तो उसका गरूर उसे गुनाह पर उभारता है चुनाचे ऐसे शख्स के लिए जहनुम काफ़ी है और यकीन वो बुरा ठिकाना है और इसके बरक्स और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए अपने आप को उसके हाथ बेच डालता है अपने आप को ही बेच दिया है अल्लाह के आगे अपने आप को ही बेच दिया है दीन इस्लाम खरीद लिया है दीन खरीद लिया है ईमान खरीद लिया है इतनी बड़ी, बड़ी कुर्बानी दे दी है और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत शफीक है इस आयत के बारे में कहते हैं कि सुहेब रूमी रदीला के लिए नाजिल हुई थी कि जब वो मक्का से निकले तो कुरैश ने आके इनको घेर लिया और इनको कहा कि तुमने अगर हिजरत करके मदीना जाना है तुम यहाँ के हो ही नहीं हो तुम कुरैश के नहीं हो और तुमने जो कुछ यहाँ से कमाया है वो हमें दे के फिर तुम जा सकते हो तो इन्होंने कहा मैं पहले ही कोई नहीं लेके जा रहा मेरे घर में फला जगह पर पड़ा हुआ है जाओ सब कुछ ले लो और ये पैदल मक्का से मदीना आए और रसोल्ला सल्लाम को अल्लाह ताला ने बज़रिया वही ख़बर दे दी इनकी इस कुर्बानी की तो ये जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा अबू याहिया तूने बहुत अच्छा सौदा किया और फिर यह आयात नाजिल हुई ए लोगों जो ईमान लाए हो तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ उदलूफ सिलमी काफ़ा ये आधा आधा इस्लाम जो है ये नुकसानदेह भी है और ये अल्लाह ताल को पसंद भी नहीं है पीछे कल हमने पढ़ा था कि अफत उमिन अभी बाद किताब ही वतक फरून अभी बाद क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ हिस्से का इनकार कर देते हो और आज यहाँ क्या है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ ये नहीं है कि आप कर लें कोई भी कोर्स कर लें और आप आठ सेमेस्टर का बीएस है तो आप सात कर लें और आठवा ना करें और आप कहें कि मेरा बी मुकम्मल हो गया ऐसा दुनियावी लिहाज से तो कभी नहीं करते ना आपने नेल कलर लगाना हो तो आप दो उंगलियों पे लगा के तीन उंगलियों को छोड़ तो नहीं देती आप तो बड़ी तवज्जो के साथ पूरे का पूरा हाथ अपना डेकोरेट करती हैं परफेक्शन के लेवल पर उसको ले जाने की कोशिश करती हैं और अपने आप को ब्यूटिफाई करती हैं तो इसी तरह से इसमें कोई हर्ज नहीं है अल्लाह जमील होनी है हिब्बुलजमाल हक हलाल से करें आप अपने आप को ब्यूटिफाई करें लेकिन यही नजरियात यही सोच आपकी अपने दीन के मामले में भी होनी चाहिए कि पूरे का पूरा दीन में दाखिल होना है ये नहीं कि कोई चीज ले ली और कोई छोड़ दी और तुम शैतान के कदमों की पैरवी मत करो शैतान के कदम यह है शैतान की फॉलोइंग ये है कि आप कुछ दीन में से ले लें और कुछ को छोड़ दें वो आधा तीतर आधा बटेर वो कुछ किसी कहीं का भी नहीं रहता दो कश्तियों का सवार हो जाता है इंसान और उसका क्या अंजाम होता है इधर से भी टांग लड़खड़ाएगी और इधर से भी लड़खड़ाएगी बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है फिर अगर तुम्हारे पास वाजे जाने के बाद तुम फिसल जाओ, तो जान लो कि बेशक अल्लाह गालिब है खूब वाला है। क्या आप वो इस इंतजार में है कि अल्लाह बादलों के, के सए में उनके सामने चला आए और फरिश्ते भी और उनके मामले का फैसला ही कर डाला जाए आखिर सारे मामला की तरफ लौटाए जाते हैं पूछिए बनी इसराइल से हमने उन्हें कितनी वाज निशानियाँ दी और जो कोई अल्लाह की नेमत पा लेने के बाद उसे बदल देता है तो बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए दुनिया की जिंदगी सजा दी गई है ये कुफर का जो माइंड है ना वो ये है दुनिया की जिंदगी सजी सजाई आजकल एक शादी का बड़ा एक रौला है ठीक है अब उनके लिए वही है ना उनके लिए वही है इसलिए कि उनके लिए आखिरत नहीं है उनके लिए वो आप हम उनको क्रिटिसाइज करें क्या जरूरत क्या है उनके लिए है ही वो उनके पास जो कुछ है वो मुजैन कर दिया है अल्लाह ताला ने हाँ अलबत् कुछ काफिर ऐसे भी हैं कि वो एले ईमान का मजाक उड़ाते हैं और वो उन लोगों से मजाक करते हैं जो ईमान लाए हैं इसलिए कि ईमान का तकाजा क्या है सादगी मिनल ईमान सादगी ईमान का हिस्सा है तो एक तो अपनी वो स्ट्रेंथ हो एक अपनी दौलत वो अपनी शान और शौकत में लगाएं और फिर उसके साथ ही वो ईमान की सादगी का मजाक भी उड़ाएं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो लोग मुतकी हैं वो कयामत के दिन उनसे बुलंद मर्तबा होंगे और अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क देता है ये अल्लाह की तकसीम है कि उसने दुनिया में किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया लेकिन कयामत के दिन जो बेहिसाब रिस्क है वो तो अल्लाह ताला ही अहले को देगा लोग पहले एक ही उम्मत थे फिर उनमें इख्तलाफ पैदा हो गए तो अल्लाह ने नबी भेजे खुशखबरी देने वाले और डराने वाले और उनके साथ उसने बरहक किताब नाजिल की ताकि वो लोगों के दरमियान उन बातों का फैसला करे जिनमें उन्होंने इख्तलाफ किया और उसमें इख्तलाफ उन्हीं लोगों ने आपस की जिद से किया जिन्हें किताब दी गई थी हालांकि उनके पास वाज दलाइल आ गए थे फिर जो ईमान ले आए उन्हें अल्लाह ने अपने हुक्म से उस हक़ का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्लाफ किया था और अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम यू ही जन्नत में चले जाओगे हालांकि अभी तक तुम्हें उन लोगों की मानद मुश्किलें पेश नहीं आई जो तुमसे पहले गुजरे आजमायशें होंगी आजमाइश के लिए दुनिया है ही आजमायश का घर तो इसलिए ये मत समझो कि तुम एक दफ़ा ला इला 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 ला लल्ला कह के जन्नत में जा सकते हो आजमाइश तो होगी तुम्हारे ईमान को ट्राई किया जाएगा उनको सख्ती और तकलीफ पहुंची और वो हिला डाले गए यानी पुराने लोग और यहाँ तक के रसूल और वो लोग जो उन पर ईमान लाए थे कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी आगा रहो अल्लाह की मदद करीब है ए नबी अलैहि वसल्लम ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि वो क्या खर्च करें कह दीजिए तुम अपने माल में से जो भी खर्च करो तो अपने वाले रिश्तेदारों यतीमों मस्किनों और मुसाफिरों के लिए खर्च करो और तुम जो भलाई भी करोगे बेशक अल्लाह इसे खूब जानने वाला है यहाँ पर भी हमें एक लतीफ़ नुकता पता चलता है कि जकवात के अलावा भी माल खर्च करना चाहिए इसलिए कि यहाँ पर वालदेन का भी जिक्र है क्योंकि वालदेन को आप जक़ात नहीं दे सकते ठीक है अगर वालदान जरूरतमंद हैं तो आप उनको वैसे पैसे देंगे साहबा जो है वो चार चार लाख दिरहम एक एक वक्त में दिरहम चांदी का कॉइन था दीनार गोल्ड का कॉइन था एक एक वक्त में सदका कर दिया करते थे और एक साहबी हैं तलहा बिनला वो परेशान हाल घर आए तो उनकी बीवी ने पूछा क्या बात है क्यों परेशान है उन्होंने कहा पैसे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए मैं परेशान हो गया हूँ तो बीवी ने कहा परेशानी की क्या बात है सदका कर दो सारे का सारा उन्होंने सदका कर दिया और सुकून में हो गए तो ये तो इंसान के अपने अंदर जो हमारी रूह और हमारा दिल है वो हमें बताएगा कि हमें सुकून फिर किस चीज़ से आता है कि माल और मल्टीप्लाई करें या हम उसको अपनी ही किसी ख्वाहिश पर अगेन एंड अगेन एंड अगेन खर्च करते रहें एक सैर करके आए तो दूसरी सैर तैयार कर लें तीसरी तैयार कर लें और या ये कि अपने माल में से सदका निकालें और उसको आखिरत का तोशा भी बनाएं और दुनिया में भी अपने आप को आफात से बचाएं तुम पर जहाद फर्ज कर दिया गया है और वो तुम्हारे लिए नागंवार है और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते चाहे वो जिहाद है कि अब ख्याल आ रहा है कि अच्छा जहाद करना पड़ेगा तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसी में भलाई रखी है और चाहे वो घर का छोटा सा छोटा सा मैटर है कोई भी बात जो कोई आ गया है कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है जो अपने आप को अच्छी नहीं लग रही तो उसी में से अल्लाह ताला खैर निकाल देते हैं उसी में से बेहतरिया निकाल देते हैं बस अल्लाह पर ट्रस्ट करने की जरूरत होती है ए नबी अलैहि लो वसल्लम लोग आपसे हुरमत वाले महीने के बारे में पूछते हैं कि इसमें लड़ाई कैसी है कह दीजिए इसमें लड़ाई करना बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना और अल्लाह के साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है और फितना अंगेजी कत्ल से कहीं बड़ा गुनाह है और वो काफिर तो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर उनका बस चले तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें और तुम इस जो शख्स अपने दीन से फिर जाए फिर वो हालत कुफ्र ही पर मर जाए तो उन्हीं लोगों के अहमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो गए और वो लोग दो हैं और उसमें वो हमेशा रहेंगे बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जहाद किया वही लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है ए नबी लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं कह दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है और इन दोनों का गुनाह उनके फायदे से बड़ा है ये पहला हुक्म था शराब की जो हरमत है वो तदरीजन आई है पहले अल्बकर में ये कह दिया फिर अनसा में कह दिया कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ और अलमादा में फिर हरमत जो है वह नाजिल की गई ये उम्मल खबाइस है हर बुराई की जड़ है और वो आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें कह दीजिए जो जरूरत से जायद हो अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम इसी तरह बयान करता है ताकि तुम गौर करो दुनिया और आखिरत की बाबत और लोग आपसे यतीमों की बात पूछते हैं कह दीजिए उनकी असलाह करना उनके लिए बहुत बेहतर है और अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहन सहन इकट्ठा रखो तो वो तुम्हारे भाई ही हैं और अल्लाह जानता है कि फसाद करने वाला कौन है और असलाह करने वाला कौन और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें तकलीफ में डाल देता बेशक अल्लाह गालिब है खूब हमत वाला है बस इसको यहाँ तक रखते हैं इनशाला आगे फैमिली लाइफ के कम हैं तो कल से इनशाला यहाँ से शुरू कर लेंगे سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته